वेलकम बैक टू नैंस्ट्रो क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं सो आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा सॉल्व करिए साथ में और देखिए कि कहाँ पर आपको रिविज़न की ज़रूरत है अभी आपके पास इनफ टाइम है आप रिविज़न कर सकते हैं अब कमेंट करके सभी लोग बताइए कि क्या आप लोग रेडी हैं तो प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वैद त्रयी कहा जाता है वैद्य त्रयी मैंने आपको बताया हुआ है त्रयी क्या बताया है त्रयी त्रयी कहा जाए या फिर वैद्य कहा जाए बात एक ही है त्रयी या वैद्य त्रयी में हमारे ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद शामिल होते हैं कौन होते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद शामिल होते हैं तो आपका तीसरा ऑप्शन देखिए मैच हो रहा है ठीक अगला क्वेश्चन आप देखिए कि पुष्यमित्र सुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था तो पुष्यमित्र सुंग द्वारा आपका अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ को जो है मारा गया था है ना तो अगर आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंतिम मौर्य शासक कौन था तो यहाँ से भी आप बता सकते हैं वृहद्रत ठीक तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो ये मैंने आपको बताया हुआ है देखिए मैं आपको अगेन यही कहूँगी कि सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं कुछ भी अलग से आपको नहीं मिलने वाला है ना तो आप रिवीजन करिए यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी आपका एक तरीके से रिवीजन ही आपको चीज़ें याद आएंगी आपको पता चलेगा कहाँ पर आपको रिवीजन की ज़रूरत है ठीक तो आपको मैंने बताया था कि विंसेट स्मिथ थे आपके एक इतिहासकार हैं कौन है विंसेट स्मिथ विंसेट स्मिथ ये जो विंसेट स्मिथ हैं इन्होंने समुद्रगुप्त को किसको समुद्रगुप्त को उनकी वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था क्या कहा था भारत का नेपोलियन कहा था किसको कहा था समुद्रगुप्त को कहा था तो वी ऑप्शन करेक्ट होगा प्रसिद्ध चीनी यात्री हुए सांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी तो ये भी आपको पता है हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आपका हुए संग आया था ये देखिए चीनी यात्री है याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है कि हुइनसंग आपका कौन कहाँ से था तो ये आपको पता होना चाहिए चीनी यात्री था ठीक है हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया हुआ था अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको बताई थी कि इसने अपनी भारत की यात्रा के ऊपर अपना एक ग्रंथ लिखा था हुइनसंग ने जिसका नाम क्या था सी यू की, क्या नाम था सी यू की सी यू के ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी वंश का अंतिम शासक था तो आपको पता होगा सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात उनका जो पुत्र था इब्राहिम लोधी वो शासक बना था लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था इब्राहिम लोधी था है ना इब्राहिम लोधी ठीक तत्पश्चात आपके क्या आ गए थे मुगल वंश की स्थापना हुई थी इसके बाद ठीक तो आप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसा बनता है परीक्षा में ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी कितना सिंपल सा क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी मैंने आपको बताया हुआ है ढाका में की गई थी कहाँ पर ढाका में बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका वहाँ पर की गई थी ओके मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आपको मैंने बताया हुआ है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आपके आगा कहाँ थे कौन थे आगा खाते याद रखिएगा वर्ष 1907 में इनका जो वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था और 1908 में अमृतसर में हुआ था ठीक 1907 में इनका एक अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था कराची में हुआ था और फिर उसके बाद इनका 1908 में एक अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था अमृतसर में हुआ था कहाँ पर अमृतसर में हुआ था याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है निम्न निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे संथाल विद्रोह की बात की जा रही है तो संथाल विद्रोह जो है आपका 1855 से 56 के बीच में हुआ ठीक है याद रखिएगा और इस विद्रोह के नेता जो थे वो आपके सिद्धू और कान्हू थे कौन थे सिद्धू और कान्हू थे याद रखिएगा सिद्धू और कान्हू सिद्धू और कान्हू ये आपके जो है इस विद्रोह के नेता थे यह विद्रोह जो था आपका मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था किससे भागलपुर से राजमहल के बीच आपका केंद्रित था तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ठीक अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या है निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें तो पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी इनमें से कौन थे बताइए आप लोग तो खुदीराम बोस जो है इनका जन्म बंगाल में मिदनापुर जिले में हुआ था कहां पर मिदनापुर जिले में हुआ था खुदीराम बोस का पश्चिम बंगाल में कहां पर हुआ था मिदनापुर में मिदनापुर जिले में इनका जन्म हुआ था ठीक है मुजफ्फर बम कांड जो था आपका कौन सा मुजफ्फरपुर मुजफ्फर मुजफ्फरपुर बम कांड मुजफ्फरपुर बम कांड जो था इसमें इनको जो है फांसी की सजा दी गई थी किसको खुदीराम बोस को तो ये भी याद रखना है कि इनको जो फांसी की सजा दी गई थी वो मुजफ्फरपुर बम कांड में दी गई थी ठीक अगला क्वेश्चन देखिए वर्दौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था तो वर्दौली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आपका कब हुआ था उन्नीस में गुजरात में हुआ था कब हुआ था उन्नीस में गुजरात में हुआ था गुजरात में ठीक वर्दोली सत्याग्रह के बारे में आपको पता होगा मैंने आपको बताया था ये प्रमुख आपका किसान आंदोलन था और इसका नेतृत्व हमारे पटेल साहब ने किया था किसने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था ठीक याद रखिएगा इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस आंदोलन की सफलता के बाद जो वर्दोली की महिलाएं थीं किसकी वरदौली की महिलाएं इन्होंने हमारे वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि इनको जो है किस आंदोलन में सफलता के बाद दी गई थी तो वर्दौली सत्याग्रह जो आपका हुआ था इसमें सफलता के बाद यहाँ की महिलाओं ने दी थी ठीक है वरदौली की महिलाओं ने दी थी वर्दौली कहाँ गुजरात की बात की जा रही है याद रखिएगा गुजरात तो यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे ये है कि किस नेता ने हमें जो है सी आर फॉर्मूला दिया तो जुलाई 1944 में आपका जो है आ, सी गोपालाचारी ने गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता जो है समझौता की योजना प्रस्तुत की इसे सी आर फार्मूला कहा गया क्या कहा गया सी आर फार्मूला कहा गया ठीक तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे किसने दिया सी गोपालाचारी ने आपका दिया था सी राज गोपालाचारी जी ने यह दिया था कब दिया था तो जुलाई 1944 आप लोग याद रखिएगा जुलाई 1944 जवाई जुलाई उन्नीस में सी राजगोपालाचारी ने गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते में एक योजना प्रस्तुत की और इसे ही क्या कहा गया सी आर फॉर्मूला कहा गया ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल सा है नॉर्वे की राजधानी क्या है तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है क्या है ओस्लो है याद रखिएगा मूव करें अभी अगले क्वेश्चन पर बताइए सभी लोग आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे बड़ा ही सिंपल है क्वेश्चन ये है आपसे बयासी डिग्री तीस मिनट पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है बताइए तो ये भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है इसी रेखा से किससे इस रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या होता है इससे हमारे प्यारे भारत का समय निर्धारित होता है है ना तो क्या होगा भारत मानक समय निर्धारित करता है कौन सा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य से आपका कितना आगे है आज ही आपने पढ़ा है आज मैंने आपको वर्ल्ड जियोग्राफी का मैराथन दिया है तो उसमें देखा होगा आपने कल दिया था है ना तो उसमें देखा था मैंने आपको बताया था कि साढ़े पाँच घंटे आगे है कितना साढ़े पाँच घंटे आपका आगे है मैंने आपको बताया हुआ है अगला देखिए क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है कितनी थी तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो आपकी भारत की साक्षरता थी वो तिहत्तर परसेंट थी कितनी थी तिहत्तर परसेंट हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है तो हीराकुंड बांध जो है आपके ओडिशा में स्थित है कहाँ पर उड़ीसा राज्य में स्थित है ये महानदी पर बनाई गई एक बहुउद्देशीय परियोजना है किस पर महानदी पर बना है ये चीज याद रखिएगा कि हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर बना हुआ है किस पर महानदी नदी पर बना हुआ है ठीक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं वन मिनट आप दीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी से ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता तो आई थिंक कल ही के वीडियो या परसों की वीडियो में अब आप बताया है आप लोगों को कि आपका कौन सा राज्य ऐसा है जो आपका नेपाल से सीमा साझा करता है तो आपको पता ही होगा कि कौन सा इसमें से नहीं करता है तो भारतीय राज्यों में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सिक्किम उत्तर प्रदेश सिक्किम उत्तराखंड ध्यान से सुनिएगा उत्तर प्रदेश सिक्किम उत्तराखंड बिहार बिहार पश्चिम बंगाल जिसको सब लोग भूल जाते हैं पश्चिम बंगाल भी है पश्चिम बंगाल को आप देखिएगा तो इस तरीके से ऊपर जाता है यहाँ ये यह वाला देखिएगा पोर्सन तो यहाँ लोग भूल जाते हैं ठीक तो पश्चिम बंगाल भी आपका सीमा टच करता है और आपका कौन पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है तो याद रखिएगा इनमें से अब आपका कौन सा मैच नहीं होता है? यूपी मैच होता है पश्चिम बंगाल मैच होता है बिहार होता है लेकिन असम मैच नहीं होता है ना असम जो है आपका एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है असम किसके साथ करता है बांग्लादेश के साथ किसके साथ बांग्ला देश के साथ और साथ ही साथ किसके साथ करता है भूटान के साथ सीमा साझा करता है ठीक याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया तो मैंने जीएसटी बताया था उसमें बताया था एक सौ एकवी संविधान संशोधन के द्वारा किसके द्वारा एक सौ एकवी संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका वस्तु एवं सेवा कर जो है आपका जीएसटी एस जैसे आप कहते हैं एक जुलाई का एक जुलाई एक जुलाई 2017 को आपका लागू हुआ था ये डेट आपको भूलना नहीं है ठीक है जैसे अपना वर्ड डे आपको सबको याद होगा ना ऐसे ही ये डेट नहीं भूलना जी वाली ठीक और ये कौन सा विधेयक था तो एक सौ बाईसवा संशोधन विधेयक था कौन सा था एक सौ बाईसवा संशोधन विधेयक तो ये भी याद रखना अगर पूछा जाएगा तो कम से कम पता तो रहे ओके एक सौ बाईसवा संशोधन विधेयक ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आपसे ये है कि एक रुपये का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो मैंने बताया है एक रुपये का नोट बड़ा ही महत्वपूर्ण है एक रुपये का नोट आप जरूर से याद रखिएगा इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो इस पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं इसीलिए बस ये इंपॉर्टेंट है किसके भारतीय वित्त सचिव जी के हस्ताक्षर होते हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो आपको पता होगा बताया गया है प्रथम वित्त आयोग जो है आपके इनके अध्यक्ष आपको मैंने बताया था कि कौन थे के सी नियोगी थे भारतीय संविधान का जो अन आपका जो अनुच्छेद 280 है कौन सा आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 जो है प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर वित्त के गठन का प्रावधान करता है ठीक उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्रथम वित्त आयोग जो है उनके अध्यक्ष जो थे के सी नियोगी थे के सी नियोगी जी थे वर्तमान में जो हमारे हैं वो पंद्रहवें वित्त आयोग हैं पंद्रहवें वित्त आयोग जो हैं वो हमारे एन के सिंह जी हैं कौन है एन के सिंह जी हैं तो इनको भी आप याद रखिएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पी एम एस वी वाई का विस्तारित रूप क्या है तो पी एम एस वी वाई का विस्तारित रूप है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना ठीक है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ओ सी बात है आपका पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ठीक इस योजना का जो शुभारंभ है वो आपका 9 मई 9 मई 2015 को कोलकाता पश्चिम बंगाल से हुआ था कहाँ से कोलकाता पश्चिम बंगाल से हुआ था कोलकाता पश्चिम बंगाल से इसका क्या हुआ था इस योजना का आपका शुभारंभ हुआ था ठीक याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपसे यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का जो उद्देश्य है वो आपका है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना क्या है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना याद रखिएगा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है आइए देखते हैं क्वेश्चन आपसे ये है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद एक है इसमें निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया अनुच्छेद एक जो है हमारा आर्टिकल एक वो क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया भारत अर्थात अर्थात इंडिया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का राज्यों का राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है संघ यानी कि यूनियन है ठीक है यूनियन होगा ओके सो आप पहला अनुच्छेद तो याद रखिएगा भाई आर्टिकल वन तो याद रखना ही है आपको महत्वपूर्ण है अगला क्वेश्चन आप देखिए कि किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं तो कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसके तहत जो है आपके कानून की नज़र में सभी लोग आपके जो हैं वो आपके समान हैं तो आपको मैंने बताया हुआ है कि भारतीय संविधान के जो है छह मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं और इसमें हमें समता का अधिकार दिया गया है किसका समता का अधिकार समता का अधिकार समता का अधिकार हमें जो है आर्टिकल फोर्टीन से आर्टिकल एट्टीन के बीच में हमें दिया गया है और इसमें आर्टिकल फोर्टीन जो है इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा है ना तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बाईसवें का सी होगा ओके सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो आपने पढ़े हुए हैं कुछ बड़ा यहाँ पर नहीं है ठीक निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन है अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद जी की तो अगर आ, किसकी राजेंद्र प्रसाद जी की तो राजेंद्र प्रसाद जो है आप सभी को बताओगा कि हमारे प्यारे भारत के हमारे प्यारे भारत के ये प्रथम क्या थे बताइए प्रथम क्या थे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या थे बताइए तो ये राष्ट्रपति थे कन्फ्यूज़ नहीं होना ये हमारे पहले राष्ट्रपति जी थे ठीक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे ये भी आपको याद रखना है कि ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे ठीक है लगातार दूसरी बार लगातार दूसरी बार दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले निर्वाचित होने वाले होने वाले क्या थे होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है याद रखिएगा और उसके बाद आपको याद रखना है राजीव गांधी इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन राजीव गांधी इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री ये अलग अलग समय पर आपके प्रधानमंत्री के तौर पर सर्व हुए हैं है ना तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है तो भारत के संविधान में जो आपका अनुच्छेद 85 का आ, सब क्लस टू है इसके तहत राष्ट्रपति समय समय पर आपके जो संसद है लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित स्त्रावसान जो है और लोकसभा का विघटन कर सकता है शब्दों पर ध्यान देना है आपको ठीक है लोकसभा का विघटन कर सकता है कौन कर सकता है हमारे प्यारे भारत के राष्ट्रपति जी को ये अधिकार है नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं जो कि आपसे क्या है अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था तो बताइए पंचायती राज सबसे पहले किसने अपनाया था मैंने आपको बताया है दो अक्टूबर की बात है कब दो अक्टूबर आने ही वाला है 1959 में दो अक्टूबर 1959 में राजस्थान राज्य की कहाँ की राजस्थान राज्य के नागौर जिले में राजस्थान की नागौर ज़िले में कहाँ पर नागौर जिले में आपका जो है जनपद में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था ठीक मैंने आपको बताया कहाँ पर राजस्थान में डैश दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयुक्त किया जाता है तो आप याद रखिएगा यहाँ पर कि आपकी सर्च लाइट हो स्कूटर हो मोटर गाड़ियाँ हो इनकी हेडलाइट में जो आप यूज़ करते हैं वो आप कौन सा अवतल दर्पण यूज़ करते हैं कौन सा अवतल दर्पण आपका प्रयोग किया जाता है सो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं किसका रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं ओके okay? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैस कहते हैं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं हम याद करिए थोड़ा सा सूखी बर्फ कहते हैं सूखी बर्फ कहें या फिर ड्राई आइस कहें है ना अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन आपसे ये है शरीर में डेस की गंभीर कमी के कारण क्वास्टियर को रोग होता है तो शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ये जब आप साइंस की वीडियोस देखेंगे तो कई बार जिक्र होता है वहां पर तो प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है क्वास्टियर क्योर हो जाता है और इस रोग में सर्वाधिक जो है बच्चे प्रभावित होते हैं क्वासियर कोर जो रोग होता है ये बेसिकली बच्चों को जो है बच्चों पर अटैक्ट करता है ओके याद रखिएगा प्लीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म्स पर ध्यान देना है आपको बच्चों में क्वासर ज़्यादा होता है इस कारण से बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हो जाते हैं ओके निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है बताइए कौन सा मांसाहारी पादप है इनमें से तो बीनस फ्लाइट्रैप कौन सा बीनस फ्लाइट्रैप आपको दिख रहा है ये भाई सब मांसाहारी पौधे हैं जो छोटे छोटे कीटों को पतंगों को इनका भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं एक चीज़ हमेशा याद रखना जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो आपके मांसाहारी पादप होते हैं वो छोटे छोटे कीटों को खा लेते हैं पतंगों को खा लेते हैं क्यों खाते हैं ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं किसकी नाइट्रोजन की याद रखिएगा नाइट्रोजन की नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करते हैं कमी की पूर्ति करते हैं पूर्ति करते हैं करते हैं ठीक याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अब तो आप बिल्कुल जो हैं इन सब चीज़ों के मास्टर हो चुके हैं इतना चीज़ें सॉल्व कर चुके हैं सो आसानी से बता सकते हैं इस क्वेश्चन मार्क को आप एक्स मान लिया करिए ठीक है तो आप आसानी से कर लोगे कोई बड़ी बात है नहीं देखिए मैं आपको एक बहुत सही तरीका बताती हूँ आप कर चाहें तो कर सकते हैं या तो आप सॉल्व करिए कि भाई एक्स का वैल्यू निकालिए ऐसे ऐसे जो कैची गुणा करते थे बचपन में वो करिए मैं आपको बताती हूँ आप क्या करिए अगर अंडर वूड में वैल्यू है तो इतना तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि रूड में वैल्यू है तो हमारे यहाँ पर आपको स्क्वायर वाली वैल्यू दिख रही है यहाँ पर तो ई चौबीस तो किसी का होता नहीं है आठ भी नहीं होता है तो पहले इसी को रख के देख लीजिए फाइव सेवेंटी सिक्स को रख के देख लीजिए फाइव सेवेंटी सिक्स अपॉन टू हंड्रेड ये किसका होता है चौबीस का होता है ना शुरुआत की जो है एटलीस्ट पच्चीस तक की आप याद कर लीजिएगा रिक्वेस्ट है आप सभी से अपने जहाँ पर पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने ऐसे एक पेज चिपका कर रख लीजिए बार बार रीड करिए फ़ोन में उसका फ़ोटो ले लीजिए तो फोन में जो इस आपका जो वॉलपेपर है जिस पर आपके जो है किसी चहते की फ़ोटो लगी हुई हो तो उसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए और एक अपना जो है फ़ोटो लगा लीजिए जितनी बार फोन खोलेंगे आपके सामने रहेगा तो पढ़ना उसको ठीक है थोड़ा सा ऐसे आप कर सकते हो अब मैंने किया था तो आपके लिए मैं सोचती हूँ कि हेल्पफुल हो जाएगा देखिए ये किसका है चौबीस का है नीचे क्या है आपका दो है है ना आप कट कर लीजिए इसको चार छंग चौबीस चार पंचे बीस देखिए एल एच एस बराबर आर एच एस जो बचपन में करते थे तुरंत आंसर आ गया कि नहीं आपको करना ही नहीं पड़ा इतना कैलकुलेशन आपके पास दूसरा ऑप्शन है आप भाई कर रही है छः गुणा दो सौ कैची गुणा करके जो बचपन में करते थे बराबर पचास गुणा अंडरवुड एक्स अब इसी में सॉल्व करते रहेंगे आप है ना तो फिर मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप ऑप्शन से सॉल्व करिएगा तो वो ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए अगला क्वेश्चन आप देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का पच्चीस प्रतिशत बचत करता है अगर उसकी आय में बीस प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत समान रहती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल हम कर लेंगे देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है आपको मैं जैसे समझा रही हूँ आपको वही मेथड अपनाना है आप कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ना आप कर लोगे देखिए मैंने आपको समझाया हुआ है जब भी ऐसे दिया है पच्चीस प्रतिशत की बचत तो पच्चीस प्रतिशत का मतलब क्या होता है बताइए पच्चीस प्रतिशत का मतलब होता है पच्चीस बटे सौ यानी कि पच्चीस चौको सौ एक बटे चार है ना अगर किसी व्यक्ति की आय कितनी है आय चार है तो कह रहे हैं कि पच्चीस प्रतिशत की बचत की यानी कि ऊपर वाली वैल्यू हमारी बचत को शो करेगी सिंपल सी बात है तो आपने कहा कि मैम आय तो हमारी कितनी है चार है मैंने कहा बचत कितनी है तो आपने कहा कि हमारी बचत एक है तो मैंने कहा आपने व्यय कितना किया है आप एक बात बताइए आपके पास चार रुपये हैं आपने एक रुपये की बचत की खर्च कितना कर दिया तीन रुपये कर दिया तो तीन लिख लीजिए अब कह रहे हैं अगर उसकी आय में बीस प्रतिशत की वृद्धि हो गई आप कह रहे हैं कि आय जो है चार है अब चार में कह रहे हैं कि बीस प्रतिशत की वृद्धि हो गई तो पहले हम बीस प्रतिशत निकाल लेते हैं कि बीस प्रतिशत होता कितना है तो बीस बीस पंचे सौ चार बटे पाँच का मतलब क्या है चार बटे पाँच का मतलब होता है पाँच अट्ठे चालीस तो ज़ीरो पॉइंट एट हो जाएगा तो कह रहे हैं बीस प्रतिशत की वृद्धि का मतलब क्या होता है चार तो थी और बीस प्रतिशत और बढ़ गई किसका बीस प्रतिशत चार का बीस प्रतिशत तो आप कहेंगे चार तो हमारी ऑलरेडी थी बीस प्रतिशत का मतलब है जीरो पॉइंट एट यानी कि फोर पॉइंट एट इतना आपको समझ में आ गया तो आपने कहा कि जो नई आय बनी व्यक्ति की वो कितनी बनी फोर पॉइंट एट बनी कह रहे हैं कि उसकी बचत समान है बचत वो एक रुपये की ही कर रहा है वाह और फिर कह रहे हैं कि उसके व्यय में तो व्यय कितना करेगा आप बताइए अगर किसी व्यक्ति की आय जो है चार दशमलव आठ रुपये है उसने बचत एक रुपये की की कितने की बचत एक की कि, तो मैंने आपसे कहा कि खर्च कितना किया होगा तो आप कहेंगे कि अगर हम चार दशमलव आठ में से एक घटा दें तो जितना आएगा वो हमारा उस व्यक्ति की बचत होगी यानी कि थ्री उसकी बचत हो जाएगी बस आपका काम हो गया आपको कुछ करना ही नहीं है अब आपको मैं समझाती हूँ आपको क्या करना है आपके पास ये डेटा है देखिए तो उसकी व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई व्यय में वृद्धि पूछ रहा है पहले व्यय आप देखिए पहले व्यय हमारा तीन था ठीक है फिर दूसरा मतलब अगली बार में व्यय कितना है थ्री पॉइंट एट है तीन था वो कितना गया है थ्री पॉइंट एट हो गया है तो मैंने आपको समझाया है कि कैसे हम वृद्धि निकालते हैं वृद्धि निकालना हो या कमी निकालना हो तब हम माइनस करते हैं ना मैंने कई बार आपको यही समझाया है तो बताइए कितना आपका जो है वृद्धि हुई होगी तो आप कहेंगे कि मैम पॉइंट एट की वृद्धि मुझे नज़र आ रही है वेरी गुड एक मिनट मेरे से हट गया कोई बात नहीं मैं लिख देती हूँ थ्री पॉइंट एट था कितने की वृद्धि नजर आ रही है आपको आप कहेंगे कि मैम पॉइंट एट की वृद्धि आ रही है कैसे निकालते हैं है? थ्री पॉइंट एट में से हम थ्री घटा देते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर जीरो पॉइंट एट आएगा कितने की वृद्धि हुई है आप कहेंगे जीरो पॉइंट एट की लेकिन देखिए प्रतिशत में पूछ रहे हैं तो मैंने आपको समझाया प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करते हैं ऊपर देखते हैं कि कितने की वृद्धि हुई है नीचे हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं जिस पर वृद्धि हुई है थ्री पॉइंट एट पर वृद्धि हुई है कि थ्री पर वृद्धि हुई है आप

चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कोई आ, कुछ आपको यहाँ पर बड़ा सा करना नहीं है यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए फिर नीचे देखिए इधर अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है यहाँ पर खेला क्या चल रहा है तो आप कहेंगे ऊपर हमें दिख रहा है सेवन का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस क्या दिख रहा है आपको माइनस ए भी दिख रहा है सेवन फिफ्टी थ्री मल्टीप्लाई बाई टू फोर्टी सेवन दिख रहा है नीचे क्या दिख रहा है आपको ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि सेवन फिफ्टी थ्री का होल क्यू प्लस आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है टू फोर्टी सेवन का होल क्यू अब मैंने आपको कहा था कि परीक्षा में जाने से पहले आप सभी को जो है ए क्यू प्लस वी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी का होल क्यू और ए माइनस बी का होल क्यू सीख के ही जाना है ठीक है अगर आप चाहते हैं आपका पेपर अच्छा हो तो इतना सीख के जाना तो ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है यही आपने पढ़ा है अभी तक तो आइए हम इसको ऊपर सॉल्व करते हैं ठीक है सेवन फिफ्टी थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू फोर्टी सेवन का स्क्वायर माइनस सेवन फिफ्टी थ्री मल्टीप्लाई बाई टू फोर्टी सेवन इसको आप ओपन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि सेवन फिफ्टी थ्री प्लस टू फोर्टी सेवन और इधर पर मल्टीप्लाई में आपका क्या है मल्टीप्लाई में आप देखिए ई स्क्वायर प्लस बी यानी कि सेवन फिफ्टी थ्री का स्क्वायर आपका प्लस क्या हो जाएगा टू फोर्टी सेवन का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए बी यानी कि सेवन फिफ्टी थ्री मल्टीप्लाई बाई टू फोर्टी सेवन देखिए आपका पूरा का पूरा ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा तो अब आपका नीचे बचेगा सिर्फ ऊपर एक को मत भूल जाना प्लीज़ ऐसी गलती मत करना ऊपर एक बचेगा आपका नीचे क्या बचेगा सेवन फिफ्टी थ्री प्लस टू फोर्टी सेवन इनको जोड़ लीजिए ओरल कैलकुलेशन एक बटे एक हज़ार आपका जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या दिख रहा है एक बटे एक हज़ार आपको दिख रहा है तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर मैच हो जाएगा आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपको दिया गया अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या है अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या और इसके तीन पाँचवें भाग के मध्य अंतर इतना है तो उस संख्या का बीस प्रतिशत ज्ञात करिए हम बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे कौन सी बड़ी बात है यहाँ पर आप संख्या मान लीजिए आप एक्स मान लीजिए आप कुछ भी मान सकते हैं जो आपकी इच्छा हो आपने एक्स माना संख्या कह रहे हैं एक संख्या और इसके तीन बटे पाँच विभाग तो इसका तीन बटे पाँच विभाग क्या होगा आप इस तरीके से करेंगे फिर कह रहे हैं कि इसके तीन बटे पाँच विभाग के मध्य अंतर आपको दिया है यानी कि एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन फाइव के बीच अंतर दिया है तो कितना दिया है टू सेवेंटी फोर आपको दिया है यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर होगा टू एक्स अपॉन फाइव इक्वल्स टू टू सेवेंटी फोर हो जाएगा है ना यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी सिंपल सी कैलकुलेशन है बिल्कुल आपकी देखिए यहाँ से पहले तो आप कट कर लीजिए इससे दो से ये कट करेगा दो एकम दो और दो तिया छः दो सातें चौदह ठीक तो इतना आ जाएगा तो 137 टर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई फाइव यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 685 है ना कितनी आई 685 एटी आई ठीक अब इसका आप 20 प्रतिशत नहीं ज्ञात कर पाएंगे कितना सिंपल है इसका 20 प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए आप बीस पंचे सौ पाँचे कम पाँच एक बचा पाँच दिया पंद्रह ठीक पंद्रह के बाद सोलह सत्रह अठारह तीन बचा पाँच सत्ते पैंतीस वन आपका आया देखिए डी ऑप्शन आपका मैच होता है सिंपल सा ही क्वेश्चन था ज़्यादा कुछ करना था नहीं आपको अगला क्वेश्चन है आपसे कि एक पंक्ति में बैठे चार विद्यार्थियों में से अंतिम तीन विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है और प्रथम तीन विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु ट्वेंटी है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु क्या है ये भी हम कर लेंगे कौन सी बड़ी बात है देखिए ये आपको एक नया क्वेश्चन मिला और अच्छा क्वेश्चन है इसको आप समझिएगा ठीक ध्यान से समझिए एक पंक्ति में चार विद्यार्थी बैठे हैं कितने विद्यार्थी बैठे हैं ऐसे करके एक चार विद्यार्थी बैठे हैं अंतिम तीन एक पंक्ति में चार विद्यार्थी मै से मैं से बोल रहे हैं अंतिम तीन विद्यार्थियों की औसत आयु ये अंतिम तीन जो हैं इनकी औसत आयु बीस दी है और प्रथम तीन विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दी है आपको इक्कीस वर्ष दी है ठीक है इक्कीस वर्ष दी है और ये बीस वर्ष दी है यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु आपको दी गई है छब्बीस वर्ष तो अंतिम की आयु आप निकाल ही लेंगे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको समझाया आप वैसे करिए अंतिम तीन विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी अंतिम तीन की ठीक अंतिम तीन की कुल आयु कुल आयु मैंने आपको सिखाया है कुल आयु के लिए क्या करते हैं औसत औसत मल्टीप्लाई वाई जितने लोग हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तीन है तो तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा बीस ती साठ हो जाएगा साठ ईयर हो जाएगा अब आप क्या करिए प्रथम तीन की निकालिए प्रथम तीन की कुल आयु प्रथम तीन की कुल आयु देखिए कितनी है प्रथम तीन की कुल आयु कितना है ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई वाई कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा यानी कि सिक्सटी थ्री ईयर्स हो जाएगा ठीक अब आप अपनी प्यारी प्यारी अंखियों से ज़रा इधर देखिए इधर ठीक इतने में देखिए ये जो आपके तीन विद्यार्थी हैं शुरुआत के ये तीन विद्यार्थी जो हैं इनकी कुल आयु सिक्सटी थ्री ईयर है कितनी है सिक्सटी थ्री ईयर है है ना यही तो बोला गया है प्रथम तीन की कुल आयु सिक्सटी थ्री ईयर है तो मैंने कहा ये तीन जो बालक हैं शुरुआत के इनकी टोटल आयु सिक्सटी थ्री है अब इनमें देखिए कह रहे हैं कि आपका जो है प्रथम विद्यार्थी की आयु ट्वेंटी सिक्स है इसकी ट्वेंटी सिक्स है ठीक अगर इसकी ट्वेंटी सिक्स है तो इन दो की आप नहीं निकाल पाएंगे कैसे निकालेंगे सिक्सटी थ्री माइनस ट्वेंटी सिक्स कर दीजिए तो कितनी आएगी 37 सेवन आएगी है ना 37 सेवन आएगी ना सिंपल सी बात है ये थर्टी सेवन आ गई आपकी यहाँ पर यानी कि इन दो की आयु आपको पता चल गई कितनी पता चली इन दो की आयु आपको थर्टी सेवन पता चली अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पर देखिए इन तीन की टोटल आयु कितनी है लास्ट वालों की साठ वर्ष थी इन दो की आपको पता है थर्टी सेवन तो आप अंतिम वाले की नहीं निकाल पाएंगे घटा के कितना सिंपल सा क्वेश्चन था तेईस वर्ष आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो ट्वेंटी कितना आया ट्वेंटी थ्री आया ना तो आपका ए ऑप्शन मैच हो गया अगला क्वेश्चन देखिए अंधेर नगरी के लेखक कौन है अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिएगा देखिएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कोई बड़ी बात है नहीं है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अंधेर नगरी के लेखक कौन है अंधेर नगरी के लेखक हमारे भारतेंदु भारत जी हैं सूर्योदय का शब्द का संधि विक्षेद क्या होगा सूर्योदय का आपको संधि विक्षेद बताना है ठीक तो देखिए कितना सिंपल सा है सूर्य प्लस उदय हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए दात्री हो जाएगा क्या होगा दात्री दात्री धात्री मत कर दीजिएगा दात्री जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए शब्द है जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए कृतज्ञ होता है क्या होता है कृतज्ञ होता है है ना कृतज्ञ और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है वो कृतघ्न होता है क्या होता है कृतघ्न होता है जो किए गए उपकार को ना मानता हो ठीक है जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे क्या करते हैं कृत कार्य करते हैं जिसका मैं लिख देती हूँ जिसका अर्थ जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो ठीक याद रखेगा आप लोग अज्ञ किसे कहते हैं जो कुछ नहीं जानता हो जो कुछ नहीं जानता जो कुछ नहीं जानता उसे हम क्या कहते हैं आज्ञा कहते हैं अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से वन मिनट आई एम सो सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं बताइए सरस्वती के पर्यायवाची एक बार मैं आपको फटाफट से रिवीजन करवा देती हूँ मैंने आपको बताया था सरस्वती जी के पर्यायवाची होते हैं भारती और क्या होता है बीड़ा पानी भारती बीड़ा पाणी बीड़ा पाणी लिखा हुआ है ठीक है महाश्वेता 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 होता है इला होता है वागीस होता है क्या होता है वागीस होता है ठीक है व्रामी होता है और क्या होता है और वागेश्वरी होता है वागेश्वरी वागेश्वरी और क्या होता है शारदा होता है अब आप मैच कर लीजिए कौन सा नहीं है पद्मा नहीं होता है भैया ये तो आप सभी को पता होगा कि ये लक्ष्मी जी का पर्यावरण है ना याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि जितने भी भगवान के नाम के पर्यायवाची हैं वो सब आपको ध्यान से पढ़ के जाना है बहुत महत्वपूर्ण है ओके okay? डायरेक्शंस आपको दिए गए हैं रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द कर क्वेश्चन फोर्टी वन टू फोर्टी फाइव आपको जो है आपका ये पैसेज है उससे आंसर करना है ठीक मैंने आपको बोला था कि जब भी पैसेज सॉल्व करें पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया करिए ठीक उसके बाद पैसेज पढ़ा करिए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि आपसे पूछा क्या गया है इससे टाइम सेव होता है ठीक है It was, uh, it was her sister josephine who told her in broken sentences, well-hints that reveal in half cancelling. her husband's friend richard was there, too, near her. it was he who had been in the newspaper office when intelligence of the railroad disaster was received. with brently mallard named leading the list of killed. स्ट ऑफ किल्ड ही हैड ओनली टेकन द टाइम टू अस्योर हिमसेल्फ इट्स ट्रूथ बाई सेकेंड टेलीग्राम एंड हैड दस्ट एंड ऑफ फॉर स्टॉल आगे देखते हैं एनी लेस केयरफुल लेस टेंडर फ्रेंड इन वियरिंग द सैड मैसेज आगे यहां पर होगा हमसे अब आगे है आपसे सी डिड नॉट हियर द स्टोरी एज मैनी वुमन हैव हर्ड द सेम with a paralyzed inability to accept its significance she wept at once with sudden wild abandonment in her sister's arm when the storm of grief had spent itself she wept away to her room alone she would have no one follow her there stood facing an open window a comfortable roomy armchair into this she sank pressed down by the physical exhaustion that haunted her body and seemed to reach into her into her soul she could see in the open square before before her house the tops of trees that were all quiver with the new spring life the delicious breath of rain was in the air in the street below a peddler was crying with wares. द नोट्स ऑफ द डिस्टेंट सॉन्ग विच समिंग विज्ड हर फेंटली एंड काउंटलेस स्पेरो इन द एस देयर वर पैचेस ऑफ ब्लू स्काई सोइंगयर एंड देयर थ्रू द क्लाउड दैट हैड मेड द पाइल एंड वन अबाउ द अदर इन द वेस्ट फेसिंग हर हर विंडो आगे देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि हाउ डिड डाइन स्पोक मिस्टर मैलाड एट फर्स्ट बताइए तो इन ब्रोकन सेंटेंसेस शुरुआत में ही आया था हु वो वॉज किल्ड, वो किल्ड? बताइए फ्रेंडली मैलाड अगला देखिए अगला क्वेश्चन है वाई वुड मिस्टर मैलाड बताइए तो सी वॉन्टेड टू तो बी अलोन इन थिस, इन दिस मोमेंट ऑफ ग्रीफ ओके अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है गिव अन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड अब्यूज़ का आपको सिनो बताना है किसका अब्यूज़ का अब्यूज़ का मतलब क्या होता है आप सभी को पता दुर्व्यवहार कह सकते हैं आप क्या कह सकते हैं दुर्व्यवहार कह सकते हैं है ना या फिर आप क्षति कह सकते हैं या फिर आप जो है हानि कह सकते हैं बर्बाद करना कह सकते हैं तो इसी का सिनोनम आपको जो दिख रहा होगा सिर्फ एक ही दिख रहा होगा कौन सा दिख रहा है बताइए आप लोग तो आपको हार दिख रहा होगा है ना हान हार का मतलब होता है हानि पहुंचाना इस तरीके का ठीक याद रखिएगा आपका जो एव्यूज़ का अगर सिनों और भी जानना चाहते हैं तो आपका क्या हो सकता है मिस्ट्रेस हो सकता है एम आई एस टी आर ई -E टी मिस्रीट हो सकता है ठीक है मिस्ट्रीट हो सकता है और क्या हो सकता है हर्ट हो सकता है ठीक याद रखिएगा हर्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग गिव एंटोनम्स ऑफ़ फॉलोइंग वर्ड सेंसर का आपको यहाँ पर बताना है तो इसका जो मतलब होता है सेंसर का इसका मतलब होता है निंदा करना दोष लगाना या फिर मतलब किसी की क्या करना कलंक लगाना किसी पर इस तरीके का होता है अब इसका विपरीत आपको बताना तो अप्लॉज हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका अप्लॉज हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आपका सराहना किसी की सराहना करना क्या होता है सराहना होता है याद रखिएगा ठीक और इसका ब्लोम एक और हो सकता है आपका एक्लेम हो सकता है ए डबल सी एल ए आई एम एक्लेम हो सकता है ठीक देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है आगे आपसे क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए हिंदी देवनागरी हिंदी की लिपि दी गई है अंग्रेजी क्या है बताइए आप लोग सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो अंग्रेजी क्या होगा बताइए अंग्रेजी लैटिन के अंतर्गत आती है ओके याद रखिएगा मूव करते हैं आगे क्वेश्चन पर आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं जल्दी से आगे आपका क्वेश्चन अभी आपको ठीक से दिख रहा होगा क्वेश्चन ये है कि यदि किसी कोड भाषा में सोल्ड को हम इस तरीके से लिखा लिख सकते हैं तो इसी भाषा में हम रोम को कैसे लिखेंगे सो so, सिंपल सा है देख लेते हैं हम यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि जब कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो थोड़ा दूर दूर करके लिखा करिए जैसे सोल्ड का लिखा आपने तो सोल्ड को इन्होंने क्या लिखा एच एल ओ डब्ल्यू लिखा ठीक अब आप ए बी सी डी देख लीजिए तो ए बी सी डी में जब आप देखेंगे तो आपका एस जो है ना एस का जो ट्रांजिशन हो रहा है एच में हो रहा है तो एस का विपरीत होता है ये विपरीत होता है आपका ठीक है ओ का विपरीत क्या होता है एल होता है ठीक है क्या होता है ओ का विपरीत एल होता है ठीक है एल का विपरीत क्या होता है ओ होता है द, और डी का विपरीत क्या होता है डी का जो विपरीत है वो आपका डब्लू होता है क्या होता है डब्लू होता है तो अब ऐसे ही हम रोम का कर लेंगे रोम लिखिए आर ओ एम ई यहाँ पर आप देखिएगा तो जब आप आर का लिखेंगे विपरीत तो आर का विपरीत आपका आई होता है क्या होता है आई ओ का विपरीत अभी अभी पढ़ के आए ऊपर एल होता है एम का विपरीत क्या होता है एम का विपरीत एन होता है ई का विपरीत आपका वी होता है ठीक है तो मैच कर लीजिए क्या कौन सा मैच हो रहा है आई एल आई एल किस में दिख रहा है आई एल एन वी तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा ठीक अगला देखिए आपसे क्वेश्चन ये है कि यू एम का पिता है वी के की पत्नी है डी के के एकमात्र भाई एम की माँ है तो यू डी से किस प्रकार संबंधित है आइए जानते हैं किस प्रकार संबंधित है सबसे पहले देखिए यू एम का पिता है यू किसका पिता है एम का मैंने कहा था कि जो पेरेंट्स होंगे वो ऊपर लिखिएगा और बच्चों को हम नीचे लिखते हैं तो यू जो है किसका पेरेंट है एम का तो आपने यहाँ पर लिख लेना है पिता ठीक कह रहे हैं कि वी के की जो है पत्नी है और डी के के एकमात्र भाई एम की जो है माँ है डी क्या है के के एकमात्र भाई एम तो एम का जो एकमात्र भाई होगा वो कौन होगा भाई के ही होगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भाई का संबंध है एकमात्र भाई के हो गया एम की माँ है के जो है क्या कह रहे हैं के के एकमात्र भाई एम की माँ है कौन डी तो डी की डी जो है क्या है माँ है किसकी आपके एम की अगर एम की माँ है तो के की भी तो माँ ही होंगी ना तो सिंपल सी बात है यहाँ लिख लीजिए डी कौन है डी आपकी माँ हुई ठीक है अब अगला देखिए आप लोग अगला आपसे क्या कह रहे हैं कि वी जो है के की पत्नी है कौन वी के की पत्नी है के की पत्नी कौन है देखिए वी है अब आपसे कह रहे हैं कि यू डी से किस प्रकार संबंधित है कौन यू डी से किस प्रकार संबंधित है एक चीज बताइए कि ये हमारे पापा हैं और ये मेरी मम्मी है तो इन दोनों में क्या संबंध होगा पति पत्नी का संबंध होगा बात है तो पति ही है ना तो क्या होगा आपका डी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा एक ऑप्शन आपको दिखा ही नहीं पिता का ठीक तो समझ गए होंगे आप लोग पति का संबंध है अगला क्वेश्चन देख लीजिए बड़ा ही सिंपल सा है और जो मैंने आपको सिखाया खाली उतना ही को आप करना है एक जनवरी 2013 को मंगलवार था तो इकतीस दिसंबर 2013 सप्ताह का कौन सा दिन था मैंने आपको कहा था आपको लिख लेना है एक जनवरी क्या लिखना है आपको वन मिनट सॉरी आपको यहाँ पर दिख रहा है एक जनवरी 2013 मैंने आपको कहा था कि एक जनवरी 2013 आपको इस तरीके से लिख लेना है अब देखिए 2013 कैसा है आपका लीप ईयर नहीं है लीप ईयर ना होने पर आपका कोड मैंने क्या बताया था एक सौ चवालीस जीरो पच्चीस जीरो छत्तीस एक सौ छियालीस अब आपको ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रही हूँ जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक जनवरी 2013 का दिन पूछा दिया गया है और इकतीस दिसंबर यानी कि इसी वर्ष का पहला दिन दिया गया हो कोई भी वर्ष हो आपका चाहे 2001 हो 2003 हो कोई सा भी वर्ष हो आपका तो अगर उसका पहला दिन आपको दिया गया है और अंतिम दिन आपसे पूछा जा रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए बिल्कुल सीधा सीधा आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला था तो मैंने भी नहीं आपको बताया है ये आपके दो केस होते हैं दो केस होते हैं अगर आपका ये लीप ईयर नहीं है तो ये सामान्य वर्ष कहलाता है क्या कहलाता है फिर हम इसको सामान्य वर्ष कहते हैं और अगर ईयर है तो हम इसको ईयर ही कहेंगे अधिवर्ष कहते हैं ना ईयर कहते हैं अगर आपका ये वर्ष लीप ईयर है और अगर आपको यहाँ पर जो है पहला दिन दिया गया है कौन सा दिन दिया गया है पहला दिन दिया गया है और अंतिम दिन निकालने को कहा जाए तो आपको क्या करना है सामान्य वर्ष का पहला दिन दिया गया है और अंतिम दिन निकालने को कहा जाए तो क्या करना है तो ध्यान रखिएगा कि पहला पहला और अंतिम दिन आपके सामान्य वर्ष में पहला और अंतिम दिन अंतिम दिन सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष में वर्ष में कैसा होता है सामान्य वर्ष में समान होता है एग्जैक्टली exactly समान होता है अब आप कोई सा भी वर्ष का कैलेंडर उठाइए अपने घर में जाइए तिजोरी में जाइए और वहाँ देखिए कि वहाँ कैलेंडर होगा है ना तिजोरी मतलब है कवारखाने में जाइए वहाँ पर होगा कैलेंडर वहाँ पर देखना कोई से भी ईयर का आप कैलेंडर उठा के ले, देख लेना 2021 का कैलेंडर उठाना आप 2021 क्या है लीप ईयर नहीं है अगर 2021 के जो है एक जनवरी को एक जनवरी 2021 में अगर आपका सोमवार है तो 31 दिसंबर 2021 को भी सोमवार ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए ठीक अब यहाँ पर मैंने दूसरा का क्या बताया है आपको लीप ईयर लीप ईयर के केस के में क्या होता है किसी अधिवर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है तो ये आपको याद रखना है कि किसी लीप ईयर में क्या होता है किसी अधिवर्ष में अधिवर्ष में अधिवर्ष में, में अंतिम दिन अंतिम दिन अंतिम दिन प्रथम दिन से प्रथम दिन से प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है एक दिन एक दिन आगे बढ़ जाता है याद रखेंगे आप लोग अब इसी कॉन्सेप्ट पर आपको चलना है बस उरल कैलकुलेशन हो जाएगा आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें तो अब क्वेश्चन में आपको एक जनवरी 2013 दिया गया है मैंने कहा 2013 कैसा है आपने कहा सामान्य वर्ष ईयर नहीं है तो एक जनवरी 2013 को मंगलवार है तो इकतीस दिसंबर को क्या होगा बताइए पहला और अंतिम दिन सामान्य वर्ष में समान होता है यानी कि इकतीस दिसंबर 2013 को भी मंगलवार ही होगा सो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कुछ आपको करना ही नहीं था मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आपसे कि चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है तो उस असमान शब्द का चयन कीजिए पहले तो चारों शब्द आप देख लीजिए ये आपके चारों शब्द हैं असमान आप चूज करिए देखिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और बैंक कार्ड ये तीनों देखिए बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है मतलब इनमें ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बातें होती हैं लेन देन से संबंधित मेमोरी कार्ड आप सभी को पता है जिसमें हम क्या करते हैं अपने फ़ोन का डेटा एकत्रित करते हैं सो so, वी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आसमान है ओके okay? अगला क्वेश्चन देखिए अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है तो आपके बारह तेरह अप्रैल 2022 हज़ार बाईस के दौरान नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया गया है किसका उत्सव पोर्टल किसका उत्सव का सॉरी उत्सव का ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए जनवरी 2022 में जारी भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बनावरण में पहले स्थान पर है कितनी बार ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं तो अब आपको पता होगा कि हमारा कौन सा जो है राज्य है वो इसमें पहले स्थान पर है बताइए आप लोग अब जल्दी से बताइए मध्य प्रदेश आपका किस पर है बनावरण के मामले में सर्वाधिक बनावरण पूछा जा रहा है टर्म्स पर ध्यान देना है सर्वाधिक बनावरण के लिए हमारा कौन सा राज्य पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश है सेकंड नंबर पर कौन है सेकंड नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश है याद रखिएगा आप लोग ठीक और अगर आपसे प्रति सत्ता के दृष्टि से पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रति सत्ता यहाँ सर्वाधिक बनावरण कहा गया प्रति नहीं कहा गया टर्म्स पर ध्यान देना प्लीज़ सर्वाधिक बनावरण सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत पूछा जाए तो आपका सही आंसर होगा मिजोरम क्या होगा मिजोरम मिजोरम में लगभग आपका एट्टी फोर पॉइंट फाइव थ्री पर आपका परसेंटेज पर क्या है वनावरण है याद रखना है आपको ठीक अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्वेश्चन आपसे यही है कि एक से चार अप्रैल दो के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर आपके रहे बताइए किस देश की राज्य की यात्रा पर रहे तो आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो हैं तुर्कमेनिस्तान की कहाँ की तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर रहे याद रखिएगा आप लोग ठीक तुर्कमेनिस्तान और यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा थी किसी भी राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा थी अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और मुझे अच्छे से याद है तो बताइए किसका भारत का स्थान इसमें कौन सा है बताइए जल्दी से आप लोग भारत तीसरे स्थान पर है कौन से पे है तीसरे पे सबसे ज़्यादा आपका जो है कौन परचेज करता है फर्स्ट पर सैन्य खर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो सैन्य खर्च सबसे ज़्यादा बताइए पहले नंबर पर कौन है जल्दी जल्दी से बताइए यूएस ठीक है यू जो है आपका पहले पर है सेकेंड पर कौन है आपका चीन है और हमारा प्यारा भारत तीसरे नंबर पर है याद रखेंगे आप लोग कि नहीं जल्दी से बताइए आप लोग अब हाँ चलिए मूव करते हैं आगे आगे आपसे क्वेश्चन क्या है अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह सृजन और नवोन्वेषण में के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु तो संयुक्त तो पहल फिनक्लोवेशन लॉन्च किया है तो ये फिनक्लोवेशन जो है मैंने आपको बताया था मुझे बहुत अच्छे से याद है फिनक्लोवेशन मैंने आपको बताया तो फटाफट से बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा तो 21 अप्रैल 2021 में आपका जो 2021 है इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह सर्जन और नवोनवेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ फिनक्लब फिनक्लबिशन जो आपका है ये लॉन्च किया है किसने बताइए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने सो ई ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आगे क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन है कि फेबर 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पी एस के माध्यम से किस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया हुआ है तो बताइए किसका प्रक्षेपण किया है तो याद रखिएगा ई एस ज़ीरो फोर का ठीक अगला क्वेश्चन देखिए फेबररी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो इनको जो है किस वर्ष सम्मानित किया गया था वर्ष 2001 में कब वर्ष 2001 में जो हमारी आ, ये गायिका थी लता मंगेशकर जी इनका मूल नाम पता है क्या था इनका मूल नाम था हेमा 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 मंगेशकर पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है भाई ये बहुत फेमस जो है पर्सनैलिटी रही है हमारे प्यारे भारत की तो हेमा मंगेशकर जी को याद रखना है कि इनका पूरा नाम ये था और इनको जो है दो में भारत रत्न से सम्मानित किया गया अपार्ट फ्रॉम दिस इनको जो है नाइनटीन में पद्म विभूषण से और 1969 में इनको जो है आपका किससे फिर से पद्म भूषण से और 1989 में इनको जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था ठीक है कौन सा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था याद रखिएगा इनका पुरस्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ओके अगला क्वेश्चन देखिए अप्रैल दो में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो है आपकी इस प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई तो ये मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया हुआ है कि कहाँ पर की गई है अब याद करिए आप थोड़ा सा तो मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में पक्के बाघ में आपकी आयोजित की गई कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में ओके कौन सी बैठक थी तो बीसवीं वी बैठक थी इस बार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-2022 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई आपकी योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है इस कार्यक्रम की अवधि आपको बताना है ठीक तो इस कार्यक्रम की अवधि 2022 से 2027 तक ठीक है मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि आपसे क्या है अगला क्वेश्चन है कि फरवरी मार्च 2022 हज़ार बाईस के मध्य पाँचवीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया तो इसका जो आयोजन किया गया आपका नेरोवी में किया गया कहाँ पर नेरोवी में डेनमार्क की राजधानी क्या है बताइए डेनमार्क की राजधानी है आपकी कोपेनहेगन क्या है कोपेनहेगन? हैगन भागड़ा जो है आपका लोक नृत्य है कहाँ का है भागड़ा बताइए जल्दी से आप लोग भागड़ा कहाँ का है तो ये पंजाब का है कहाँ का है भागड़ा पंजाब का अगला क्वेश्चन देखिए यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी तो आप लोगों को बताया गया है यूनिसेफ की जो स्थापना है वो आपकी 1946 में की गई थी कब 1946 में और यूनिसेफ की हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है तो मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क में जो है इनकी हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पर है न्यूयॉर्क में इनकी हेडक्वार्टर्स हैं ठीक अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित तो में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है बताइए आप लोग तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है क्या होता है भारत रत्न होता है ई ऑप्शन करेक्ट होगा रूमी दरवाजा कहां स्थित है तो रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है कहां पर लखनऊ में और इसका निर्माण जो है आपका नवाब ध्यान से सुनिएगा नवाब नवाब उद्दौल आसफ उद्दौला आसफ उद्दौला उद्दौला इनके शासनकाल में हुआ था ठीक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रामनाथ गोनाय का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है तो रामनाथ गोनाय का पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है किसके क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में ठीक अगला क्वेश्चन देखिए पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है तो आपको ये पता ही होगा इस पुस्तक के जो लेखक हैं आपको बताया गया है नवदीप सिंगल जी हैं कौन है नवदीप सिंगल जी हैं ओके अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मई 2022 में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-2022 का खिताब किस टीम ने जीता है तो केरल टीम ने आपका यह जीता हुआ है किसने केरल टीम ने ठीक है अगला देखिए मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है तो मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब है वो आपका कैरोलिना ब्लावस्का ने जीता है? किसने केरोना ब्लावस्का और ये जो है मिस वर्ल्ड का सत्तरवा खिताब था कौन सा था सत्तरवा खिताब था अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की सिक्सटी सेवन बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताया गया है कि कब मनाने की घोषणा की गई है आपको मैंने बताया था कि पाँच अक्टूबर को पाँच अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है यहाँ पर हमसे निर्देश दिए गए हैं हम पढ़ लेते हैं नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों सेवेंटी वन से सेवेंटी फाइव में सबसे उचित विकल्प चुनिए यह तो आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि ऐसी आग से आग में मुझ पानी का जन्म कैसे हुआ लगता यह है कि हमारी पृथ्वी ज्यों ज्यों ठंडी होती गई उसमें मौजूद गैसों में क्रियाएं हुईं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं में मेरा जन्म हुआ इन दोनों ने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया पहले मैं पृथ्वी के ऊपर भाव रूप में था फिर जाने क्या हुआ कि मैं ठोस बर्फ बन गया कल्पना करो चारों और बर्फ ही बर्फ जब सूर्य की किरणें हम आगे देखते हैं हम हम यहाँ से पढ़ना है ना अब हम पर पढ़ती हैं तो चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता लाखों वर्षों तक इस रूप में रहने के बाद में फिसलने लग लगा क्योंकि बर्फ के ही दबाव से निचली परत पिघलने लगी अब आप लोग मुझे एक मिनट दीजिए मैं पानी पी लूँ बहुत तेज प्यास लग रही चलिए देखिए आगे ठीक निचली परत पिघलने लगती थी फिसल हम पहुँचे सागर में वहाँ की तो बात ही निराली थी वहाँ अब तक हमसे पहले पहुँचे पानी में छोटे छोटे जीव तैरने लगे थे घोंगे मछलियाँ कछुए भी धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ जल के बाद स्थल में जीव बनने लगे और आज आप उसी श्रृंखला में अंग और अप अंग हैं और हम अपने मनुष्य कहते हैं और अपने को मनुष्य कहते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है यह आत्मकथा किसकी है बताइए आत्मकथा किसकी है कितना सिंपल सा क्वेश्चन है तो आत्मकथा पानी की है किसकी पानी की और मुझे भी <laughs> अभी अभी मैंने पानी का नाम लिया चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर इधर होंगे है ना अगला क्वेश्चन आपके सामने है सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए तो सबसे पहले जीवधारी कहा पैदा हुए? तो जल में पैदा हुए थे कहा जल में ठीक अगला क्वेश्चन देखिए बर्फ क्यों फिसलने लग लगी थी बर्फ क्यों फिसलने लगी थी दबाव से निचली परत पिघल रही थी बोझ और दबाव से आपकी क्या हो रही थी निचली जो परत है वो पिघल रही थी है ना अगला क्वेश्चन देखिए मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है बताइए मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है तो आपके इस जो गद्दांश के अनुसार जो मनुष्य है वो जीवधारियों की श्रृंखला का अंग है किसका जीवधारियों की किसका जीवधारियों की ठीक है अगला देखिए चारों ओर सौंदर्य डैश पड़ता है रिक्त स्थान के लिए शब्द होगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे चारों ओर बताइए चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता exactly. एग्जैक्टली आइए देखते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं ठीक नीचे दिए गए गद्दांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए सेवेंटी सिक्स से एट्टी तक हमें बताना है शिक्षा की वैंकी अवधारणा वैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के लिए उनको दिया जाता है उन्हें भी नितांत अज्ञानी मानते हैं दूसरों दूसरों को परम अज्ञानी बताता उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है यह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक बिलोम के रूप में प्रस्तुत करता उन्हें परम उन्हें परम अज्ञानी मानकर मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है छात्र हैगेलिए द्वंदवाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व में औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेते हैं कि मालिक का अस्तित्व तो अपने अस्तित्व तो पर निर्भर है लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं वाओ तो इस देखिए आप समझ रहे होंगे ना आप लोगों का और मेरा रोल इसमें है लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा इसमें बोला गया है ठीक है आप सबको पता होगा शिक्षा की व्यंगी अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है क्योंकि ये शिक्षा की व्यंगीय अवधारणा है तो इसमें कुछ अलग तरीके से आपको बताया गया है आपने समझा भी होगा क्या है तो इसमें शिक्षा के लेन देन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई शिक्षा ज्ञान के लेन देन की, की, की प्रक्रिया है ठीक अगला देखते हैं हम अगला क्या है आपसे अगला क्वेश्चन है कि गद्दांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते तो इस गद्दांश के अनुसार छात्र अपनी जो है शिक्षक पूर्णता शिक्षित नहीं है ये जान नहीं पाते है ना ये शिक्षक पूर्णता शिक्षित नहीं है अगला देखते हैं अगला हम अगला हमसे क्वेश्चन क्या है अगला आप सभी के सामने क्वेश्चन है वन मिनट आप दीजिएगा बस अभी आपको दिख जाएगा अभी दिख रहा है आपको क्वेश्चन इस गद्दांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है तो बताइए अनिवार्य शर्त क्या है तो इसके अनुसार शिक्षक की उप उपस्थिति अनिवार्य है किसकी शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य है देखिए अगला है आपसे गद्दांश के अनुसार उत्पीड़न उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है तो इस गद्दांश के अनुसार जो उत्पीड़न की विचारधारा है इसकी विशेषता है शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र कैसा है हीन है है ना बी ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा गद्दांश में डैश पर करार करारा व्यंग किया गया किस पर करारा व्यंग किया गया है तो करारा जो व्यंग किया गया है वो आपका शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध के बीच में है ना इनके मध्य तो सिंपल सा ही आपका गृदांश था आगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वाओ मैं जैसे याद है खुशी होती है मुझे क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी और 20 नंबर आपको पक्के करने हैं ही ऐसे नंबर है ना चाहे कुछ भी हो जाए सही तो सही है ना क्वेश्चन आपसे नीचे दिए गए रेखा चित्र में से एक कंपनी के छः वर्षों के राजस्व करोड़ रुपए में दर्शाए गए हैं देख लीजिए आप लोग इनका राजस्व दर्शाया गया है भाई जरा देख लीजिए इनका आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को तब हमें समझ लगेगा क्वेश्चन है कि दिए गए छः वर्षों के दौरान औसत राजस्व ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है आपको मैं देखिए एक बार बता देती हूँ कैसे करना है आगे आप करिएगा औसत राजस्व कैसे निकलता है आप लोग इतनी बार अब पढ़ चुके हैं तो आपको पता है अब तो है ना कोई बड़ी बात है नहीं है अब आप लोगों के लिए ये ठीक औसत के लिए मैंने आपको समझाया था कि इन सभी वैल्यूज़ को जोड़ दीजिए देखिए इसका 500 है इसका 280 है इसका टू फोर सेवेंटी है ना 650, फिफ्टी फोर हंड्रेड फाइव टेन इनको जोड़ लीजिए सबको 500 प्लस आपका 280 एट्टी प्लस फोर जोड़िए सभी को जोड़ लिया कितनी एंटिटी है बताइए एक दो तीन चार पाँच छः छः से भाग कर दीजिए जो आंसर आएगा वही आपका औसत होगा ठीक अगला क्वेश्चन आप देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपसे वो है वर्ष 2011 से 2012 में राजस्व में राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ है तो हम देख लेते हैं हम पहले 2011 में राजस्व देखते हैं 2011 की वैल्यू रीड करिए फिर कौन से वर्ष का कह रहे थे 2012 का कह रहे थे ना तो 2012 का ही है आइए हम देखते हैं वैल्यू देख पुट करते हैं तो इस तरीके से हो गए ना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं जब आप यहीं पर देखिए क्वेश्चन में जैसे मैं बार बार आपको से वैल्यू रीड करके लाती हूं फिर यहां लिखती हूं कि वर्ष 2011 में कितना राजस्व है तो आपने कहा कि 500 करोड़ रुपए है 2012 में कितना है दो करोड़ है तो अब आपको जो है गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं तो कितना कम हुआ तो बताइए कितना कम हुआ पहले पांच था अब दो हो गया तो दो कम हुआ पर मैंने कहा परसेंटेज में बताइए तो किस पर कम हुआ है दो पर दो कम होगा तो कितना कम बचेगा भाई सौ में से कम होगा ना तब जाके टू एट्टी बचेगा तो फाइव हंड्रेड नीचे आएगा मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड कर दीजिए आप लोग बस चवालीस परसेंट आपका यहां पर आंसर आ जाएगा बी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत है तो आप ये क्वेश्चन अपना देखिए और कौन से वर्ष का कह रहे हैं 2015 का कह रहे हैं 2015 का राजस्व 400 है एंड 2014 का राजस्व कितना है 650 है आइए हम वैल्यू पुट करते हैं देखते हैं कि कितना प्रतिशत है ठीक एक मिनट मैन क्वेश्चन दोनों को साथ में रखना चाहती हूँ जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आप समझ जाए और पेपर में गलती ना करें कह रही थी 2015 में राजस्व आपने कहा कि 400 चार सौ करोड़ है ना 2014 में राजस्व कितना आया है आपका 650 आया है ना 650 करोड़ ठीक तो इसका कितना प्रतिशत है अब आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप समझ रहे हो यहाँ पर कम पूछा था तब मैंने घटाया है, है ना ज़्यादा पूछेगा तब हम अंतर देखते हैं यहाँ पर कितना प्रतिशत पूछा है तो आपको घटाना नहीं है यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ जो पूछ रहे हैं वर्ष 2015 का राजस्व ऊपर लिखिए जो पहले उसको ऊपर 2014 हज़ार चौदह के राजस्व उसको नीचे कर दीजिए कितना है 650 है ना 650 फिफ्टी था हाँ सही था प्रतिशत में पूछा गया है हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए कम ज़्यादा ना पूछा जाए तो घटाइएगा मत बिनती है आपसे इसको हल कर लीजिए आप लोग हल करने पर आपका इकसठ दशमलव कुछ आता है सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग वन मिनट आप लोग दीजिएगा क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा होगा वर्ष दो हज़ार तेरह है चौदह है पंद्रह का कुल राजस्व दिए गए छः वर्षों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है बिल्कुल हम निकाल लेंगे सिंपल सा ही क्वेश्चन है आइए देखते हैं वैल्यू रीड करना आना चाहिए खाली आपको मैं बार बार यही बोलती हूँ दो में राजस्व कितना है फोर उसके बाद किस में बोले थे दो में सिक्स है ना फिर दो में कह रहे थे ना तो आपका चार इनको जोड़ लीजिए कितना आएगा पंद्रह सौ बीस आएगा आपका है ना जोड़िए पंद्रह सौ बीस आएगा फिर कह रहे थे कि कंपनी का छः वर्षों का कुल राजस्व तो जब आपने औसत निकाला था तो कंपनी का छः छः वर्षों का इन छः वर्षों का ये जो आपको छः वर्ष दिए गए हैं इन छः वर्षों का कुल राजस्व आपने निकाला था औसत के दौरान आपने निकाला होगा तो कितना आया होगा टू एट वन ज़ीरो आया था है ना तो अब आप यहाँ पर चलिए जो आपसे कह कहा गया है हम उस पर चलते हैं कह रहे थे कि 2013, 14, 15 में कुल राजस्व आपने निकाला कितना निकाला आपने अभी अभी निकाल के आए हो मुझे याद है एक, एक हज़ार पाँच सौ बीस था ना यही था ना छः वर्षों में कुल आपका कितना था दो हज़ार आठ सौ दस रुपये था अब आपसे पूछा गया है कि राजस्व का कितना प्रतिशत है कम ज़्यादा नहीं पूछा है कितना प्रतिशत है सिंपल सी बात है कितना प्रतिशत है का मतलब है जो आपका पहले है उसको ऊपर करिए जो बाद में लिखा है उसको नीचे कर दीजिए प्रतिशत में पूछा है तो सौ से गुणा कर दीजिए हल कर लीजिए इसको जो आंसर आएगा वही टिक कर लीजिएगा अपने आप से अगला क्वेश्चन है कि वर्ष दो और वर्ष दो का औसत राजस्व वर्ष दो और सोलह के औसत राजस्व का अंतर है अब आपके लिए देखिए बाएं हाथ का खेल हो चुका है तो मैं आपको बताऊंगी कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन आप खुद करेंगे ठीक आइए देखते हैं कह रहे हैं वर्ष 2012 और 2013 वैल्यू रीड करिए एक मिनट आप लोग देखिए वर्ष 2012 और वर्ष 2013 का औसत कह रहे हैं यानी कि 280 एट्टी अब प्लस क्या हो जाएगा फोर कितनी एंटिटी है एक दो, दो से भाग कर दीजिए कितना आएगा आपका यहाँ पर थ्री आ जाएगा ठीक अब आपसे अगला क्या कह रहे हैं अगला कह रहे हैं 2015, 2015 ये है और 2016 ये है तो 400 सौ प्लस पाँच बटे दो यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 910 सौ दस बटे दो यानी कि चार करोड़ रुपए। आइए हम देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है हमने वैल्यू तो फाइंड कर ली हमसे जो कहा गया था हमने वैल्यू यहाँ पर देख ली दो हज़ार में औसत राजस्व कितना निकाला आपने कितना था 375 था है ना इसमें कितना था औसत आपका तो आपका 455 था अंतर आप नहीं कर पाएंगे 455 में से 375 घटा लेना तो आपका 80 करोड़ रुपए आ जाएगा है ना तो आपका 80 हो जाएगा ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो अगला देखते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर हमसे नया क्वेश्चन है ठीक आपको दिख रहा होगा मैं अभी आपको ग्राफ दिखा दूंगी अभी रीड कर लेते हैं हमें ठीक है तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ अभी क्वेश्चन को ये है एक मिनट आप धीक से दिख रहा है आपको प्रश्न संख्या 86 से 90 तक आंसर देने हैं दिया गया दंड आरेख, एक ग्राफ पाँच वित्त वर्षों 2013 से 2014 से 2017 से 18 के दौरान किसी कंपनी द्वारा निर्मित वस्तु टन में आयात और निर्यात को दर्शाया गया है निर्यात जो है आपका डार्क वाला है और लाइट वाला आयात को दर्शाता है आइए हम इसको देख लेते हैं ये देखिए आपको यहाँ पर दर्शाया गया है जो आपका दंड आरेख आपको दिया गया है है ना <laughs> दंड आरेख को देख लीजिए आप अपने क्वेश्चन को देखिए आप तब आपको समझ लगेगा ठीक वैल्यू रीड करना आना चाहिए मैं बार बार यही बात कहती हूँ बस आपको क्या करना है जब आ, पेपर में जाएं तो पेंसिल लेके जाएं रबर लेके जाएं और आप जो इरेजर जो है आपका शार्पनर जो है वो लेके जाएं सब कुछ लेके जाएं इतना जो मटेरियल है ठीक तो आपको हेल्प होगी ताकि आप वैल्यू जो है ठीक से लिख पाएं ठीक से वैल्यू को रीड कर पाएं पेन से बहुत दिक्कत हो जाती है कई बार ठीक देखिए पाँच वित्त वर्षों वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात तो और निर्यात का औसत क्या है अभी कितना सिंपल सा क्वेश्चन है हम आया तो निर्यात का औसत नहीं निकाल पाएंगे आयात हमारा ये डार्क वाला था निर्यात नहीं सॉरी देख लेते हैं यहाँ पर दिख रहा होगा निर्यात ये डार्क वाला है आयात हमारा लाइट वाला है ना तो हम देखते हैं औसत कितना है औसत हम निकाल लेंगे कितना सिंपल सा है ये तो जोड़ लीजिए सभी को इन सभी वैल्यूज़ को ये जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं सभी को जोड़ लीजिए यहाँ तक की और जितना एंटिटी है उनसे भाग लगा दीजिएगा अब यहाँ पर मुझे पता है कि बहुत सारे लोग गलती करेंगे तो आइए हम देखते हैं ठीक मैंने कहा इन सबको जोड़िए सिक्स टर्टी एट प्लस एट ट्वेंटी फोर प्लस वन टू फाइव सिक्स प्लस कितना है वन ज़ीरो वन फोर अगली कि वैल्यू कितनी थी वन सिक्स सिक्स वन प्लस कितना है वन वन थ्री सेवन प्लस आपका वन थ्री वन फाइव थ्री एट प्लस आपका वन फाइव वन थ्री प्लस आपका वन थ्री ज़ीरो फाइव प्लस आपका वन सिक्स फाइव एट है ना ये है आपकी वैल्यूज अब आप बताइए सभी लोग कमेंट करके बताइए हम किस से डिवाइड करें कितनी एंटिटी हैं बताइए आप लोग आपका तुरंत आंसर आएगा मैं हंड्रेड परसेंट से और हूँ यहाँ से गिन लोगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यहाँ से गिन लिया आपने बिल्कुल गलत आंसर है आप सभी का एंटिटी यहाँ से देखी जाती हैं एक एंटिटी 2013-2014 एक एंटिटी दो एंटिटी तीन एंटिटी चार एंटिटी पाँच पाँच से डिवाइड करेंगे यहाँ पर ये गलती कभी नहीं करना है यहाँ पर देखना है नीचे आपको नीचे एंटिटी देखना है आप देखते होंगे कि मैं अक्सर यहाँ से गिनती हूँ आपकी एंटिटी है ना तो नीचे से रीड करिएगा जो आपको दिया गया है ग्राफ इसीलिए दिया जाता है ठीक है जोड़ लीजिएगा सभी को और पाँच से डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन आपसे क्या है किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है तो हम देख लेते हैं किस वर्ष में सबसे कम है आयात और निर्यात का जोड़ पहले तो इन दोनों का जोड़ करिए इन दोनों का जोड़ करिए इन दोनों का जोड़ करिए इन दोनों का इन दोनों का आप यही करेंगे है ना तो ये नहीं करना है आपको क्यों नहीं करना है क्योंकि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं उनका कर लीजिए है ना तो आपको 2015 2016 पहला ऑप्शन ये दिया गया है तो हम इन्हीं का कर लेते हैं सबसे पहले तो ठीक है आइए देखते हैं यह है आपका रहा सबसे पहला ऑप्शन क्या था 2015 2016 वाला दूसरा ऑप्शन क्या था 2013 2014 वाला 2017, 2018 पेपर में कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा आ, न, मतलब इस तरीके से करिएगा छोटा छोटा लिखिएगा क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं रहती है और ग्राफ और तालिका को सॉल्व करने में स्पेस मांगता है ओके तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हालांकि पेपर से पहले मैं आपको सब सारी चीज़ें टिप्स बता दूंगी ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो ओके तो यहाँ पर हम दो हज़ार को चेक करते हैं आइए 2015-2016 का कर चेक करिए तो आपका इन दोनों को आपको जोड़ना होगा सिंपल सी बात है तो कितना है वन सिक्स सिक्स वन प्लस वन वन थ्री सेवन कितना हो जाएगा टू सेवन नाइन एट हो जाएगा यहाँ पर देखिए आप 2013 हज़ार 2014 में देखिए ये देखिए 2013-2014 में सिक्स थर्टी एट प्लस आपका एट ट्वेंटी फोर ठीक तो इन दोनों को जोड़िएगा दो हज़ार तेरह दो हज़ार चौदह में तो आपका एक हज़ार चार सौ बासठ आएगा 2017-18 को देखिए 2017-18 ये है यानी कि वन थ्री ज़ीरो फाइव प्लस वन सिक्स फाइव एट यही है ना वैल्यू बस ठीक से रीड करना है आपको वैल्यू गलत हुई नहीं आपने गलत पुट की नहीं कि बस यहीं से खेला ख़त्म हो जाएगा आपका ठीक है तो ये आपका दो आता है ठीक इसको देखिए दो हज़ार चौदह है दो हज़ार पंद्रह को इसको देखिए ये वाली वैल्यू वन टू फाइव सिक्स प्लस वन ज़ीरो वन फोर यही है ना एक बार आप चेक कर लीजिएगा आप सभी से रिक्वेस्ट है दो हजार आएगा अब आप एक बार ध्यान से इन वैल्यूज को देखिएगा जब मैं कहूँ तब देखना इनको देखो इनको देखो किस में आपको सबसे दिख रहा है बताइए सबसे कम पूछा गया हमसे सॉरी आयात निर्यात का कुल जोड़ सबसे कम किस में है आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था सबसे कम जोड़ आपको आई थिंक ये दिख रहा है 2013 है 2014 है वाला आइए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देखिए यही पूछा गया था ना आयात निर्यात का कुल जोड़ सबसे कम है किस में आया 2013 2014 में आया अगला देखिए 2013 14 पंद्रह सोलह सत्रह अठारह के दौरान जो है कुल आयात का आयात का कुल निर्यात से अनुपात बताइए आप लोग बता देते हैं भाई देखते हैं ये आपका यहाँ पर आपको दंड आरेख दिया गया है दंड आरेख को ध्यान से देखिए और देखिए 2013 2014 का कह रहे और 15 16 का कह रहे और किसका आपका कह रहे थे सत्रह अट्ठारह का कह रहे थे और आयात आपसे कह रहे थे आयात वाला कौन सा बॉक्स था लाइट वाला बॉक्स था कौन सा लाइट वाला मतलब जिसमें कलर नहीं है आपका ब्लैक इन सब का आपको क्या करना होगा कुल आयात निकालना होगा कुल आयात के लिए क्या करते हैं हम जोड़ करते हैं कुल आयात निकालिए एट ट्वेंटी फोर प्लस वन वन थ्री सेवन प्लस आपका कितना हो जाएगा वन सिक्स फाइव एट यही होगा ना ध्यान से देखिए हाँ सही लिखा हुआ है ठीक है जोड़िए थ्री सिक्स वन नाइन आ जाएगा यहाँ पर जोड़ने पर उसके बाद आप देखिएगा आपसे क्या कह रहे थे कि दो हजार तेरह है दो हजार चौदह दो हजार पंद्रह सोलह और आपके सत्रह अट्ठारह में निर्यात तो निर्यात देख लीजिए ये वाला बॉक्स ये वाला बॉक्स निर्यात का है तो हम कुल निर्यात देख लेते हैं कुल निर्यात कुल निर्यात कितना होगा सिक्स थर्टी एट प्लस आपका क्या होगा यहाँ पर वन सिक्स सिक्स वन था प्लस यहाँ पर क्या होगा वन थ्री जीरो फाइव जोड़िएगा तो तीन हज़ार छः सौ चार आएगा आपका ठीक अब हम अपना मूव करते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था एटी एट नंबर का क्वेश्चन था कह रहे थे वन मिनट दीजिए अभी आपको पूरा क्वेश्चन देख रहा होगा ये कह रहे थे कि इस इन वर्षों के दौरान कुल आयात कुल आयात आपने निकाला कुल आयात कितना आया थ्री सिक्स वन नाइन कुल निर्यात कितना आया आपने निकाला कितना आया था आपका याद करिए थ्री सिक्स जीरो फोर आया था आपसे अनुपात पूछा गया है तो क्या आप अनुपात नहीं निकाल पाएंगे मैंने कहा था पहले जो लिखा गया है कुल निर्यात लिखा गया तो पहले निर्यात वाली वैल्यू लिखिएगा आयात आपका जो है पहले था निर्यात आपका बाद में था तो निर्यात बाद में आएगा ज़ीरो फोर अब आप इसका अनुपात निकाल लीजिएगा आई थिंक एज इट इज़ दिया गया तो कुछ करना ही नहीं है भाई कितने मजे की बात है ये तो कौन सा मैच हो रहा है ई ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, है ना अगला देखिए किस वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में आया तो निर्यात की कुल जोड़ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई है तो हम निकाल लेते हैं किस वर्ष में हुई है ऑप्शन को ही चेक करना है जितने ऑप्शन है उन्हीं को हम चेक करेंगे ऊपर आइए देखते हैं हम में वृद्धि सर्वाधिक हुई है आयात तो निर्यात में मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन लिख देती हूँ इससे पता आसानी होती है हमें देखने में तो 2015 हज़ार पंद्रह 2016 पहला ऑप्शन था दूसरा ऑप्शन 2014 है, 2015 था फिर क्या था 2017, 2018 था फिर आपका क्या था 2016, 2017 था कह रहे हैं कि, कि किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में किस वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात और निर्यात के कुल जोड़ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई है ठीक तो आपने देख लिया अब आप फिर से क्वेश्चन को सुनिए मैं एक बार और बोलती हूँ क्वेश्चन ये था कि किस वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मतलब इसका पिछला देखना पड़ेगा पिछले वर्ष की तुलना कह रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना में आयात तो और निर्यात के कुल जोड़ तो आयात का और निर्यात का कुल जोड़ आपको देखना होगा इस वित्त वर्ष में जो पिछला वित्त वर्ष था और ये वित्त वर्ष था इसमें कुल जोड़ देखना होगा आयात तो और निर्यात का ऐसे ही चारों ऑप्शन सॉल्व करने होंगे तब जाके आंसर आएगा इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन को रीड करना आपको आना चाहिए ठीक है तो एक बार मैं क्या करती हूँ इन सबका जोड़ लिख लेती हूँ तो दिक्कत नहीं होगी इन दोनों का जोड़ कितना होगा 2013 2014 में आयात निर्यात का जोड़ इन दोनों को जोड़िए आप लोग तो कितना हो जाएगा एक हज़ार चार सौ बासठ पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ दिखता नहीं है ये वाला 2014 है 2015 में देखिए तो 2270 आएगा 15 16 में देखिए आप कितना आ जाएगा दो हज़ार आएगा ठीक इसमें जोड़िए आप लोग सोलह सोलह सत्रह में कितना आएगा तीन हजार इक्यावन ठीक अब सत्रह अट्ठारह में देखिए दो हज़ार नौ सौ तिरसठ आएगा ठीक आ गया अब आप इसमें देखिए आपसे जो ऑप्शन कह रहे हैं दो हज़ार चौदह दो हज़ार पंद्रह सोलह पहला ऑप्शन था आपके पास ठीक कौन सा था दो हज़ार पंद्रह सोलह ये वाला ऑप्शन था कह रहे हैं इसके पिछले वर्ष से तुलना करके यानी कि पिछले वर्ष कितना था तो आप कहेंगे टू टू सेवन ज़ीरो अब कितना हो गया आपका टू सेवन नाइन एट अब आप देख लीजिए कितना आपका वृद्धि हुई है कितने की वृद्धि हुई है निकालिए आप लोग यहाँ से तब जाके आपको आंसर मिलेगा इतनी आसानी से आंसर नहीं मिलने वाला है इस बार ठीक है कितने की वृद्धि हुई देख लीजिए पाँच सौ अट्ठाईस की हुई है कितने की पाँच सौ अट्ठाईस की किस पर वृद्धि हुई है टू टू सेवन जीरो पर प्रतिशत में निकालना है हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा तेईस दशमलव कुछ आ जाएगा आपका ठीक है अगला देखिए दो हज़ार चौदह पंद्रह को देखिए दो हज़ार चौदह पंद्रह को तो दो हज़ार चौदह पंद्रह में हमारा टू टू सेवन जीरो है और इसके पिछले वर्ष से तुलना करना है यानी कि वन फोर सिक्स टू है कितने की वृद्धि हुई है ध्यान से देखिएगा कितने की वृद्धि हुई है आपकी आठ सौ आठ रुपये की वृद्धि हुई है आठ सौ आठ करोड़ में है ना ये तो वैल्यू ठीक उसके बाद किस पर वृद्धि हुई है तो वन फोर सिक्स टू पर हुई है और हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज कर, फाइंड करना है तो पचपन दशमलव कुछ आएगा आपका अगला देखिए यहाँ पर 2017-18 को देखिए 2017-18 में ये वैल्यू है हमारी 2963 इसके पिछले वर्ष से तुलना करना है यानी कि थ्री जीरो फाइव वन से कितना अधिक है बताइए आप लोग अब ध्यान से देखिएगा प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से वैल्यू पुट करिएगा ध्यान से देखिएगा अट्ठासी वृद्धि हो रही कितनी की अट्ठासी की किस पर थ्री जीरो फाइव वन पर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड परसेंटेज के लिए दो दशमलव कुछ आता है यहाँ पर देखिए आप लोग दो हज़ार सोलह सत्रह में वैल्यू रीड करिए सोलह सत्रह में आपका कितना है थ्री जीरो फाइव वन है इसके पिछले वर्ष में देखिए इसका पिछला वर्ष क्या है ये देखिए वैल्यू इसीलिए मैंने कलर चेंज किया था टू सेवन नाइन एट वृद्धि कितने की हुई नाइन एट लिखा था वृद्धि कितने की हुई है आपकी ध्यान से देखिए आप लोग जल्दी से अब वृद्धि कितने की हुई होगी यहाँ पर तो वृद्धि जो आपकी हुई है वो आपकी टू फिफ्टी थ्री की हुई है और किस पर वृद्धि हुई है टू सेवन नाइन एट पर हुई है मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड कितना आएगा नौ दशमलव कुछ आएगा अब आप देखिए तेईस परसेंट पचपन परसेंट दो परसेंट के लगभग और इसमें नौ परसेंट के लगभग क्वेश्चन क्या था आपसे फिर से पढ़ती हूँ मैं क्वेश्चन किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आया तो निर्यात के कुल जोड़ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई है तो कहाँ वृद्धि सर्वाधिक है बताइए इतना सरल मैंने आपके लिए कर दिया है पचपन आपका हाईएस्ट है किस में है दो हज़ार चौदह पंद्रह में है तो आप यहाँ पर रख लीजिए कि कौन सा आपका आंसर सही आया है आप समझ गए होंगे कि, कि किस तरीके से फाइंड करना होता है दो हज़ार कौन सा आया था दो हज़ार चौदह आया था ना यही वाला क्वेश्चन था हाँ यही था अगला देखिए आप नाइन्टी क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वित्त वर्ष दो हज़ार में निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई है तो आइए हम देखते हैं 2016 17 सत्रह को ये आपका है तो वर्ष 2016 17 सत्रह को देखिए तो वर्ष 2016 17 में आपका निर्यात को देखिए निर्यात कौन सा था ये डार्क वाला था ये वाला और कह रहे थे पिछले वित्त वर्ष तो पिछला वित्त वर्ष इसके लिए ये वाला होगा 2015 2016 क्वेश्चन की भाषा को समझ गए तो सब समझ गए तो इस वर्ष में क्या कह रहे हैं निर्यात निर्यात की बात करें तो सिर्फ निर्यात पर फोकस करिए तो आपने ये दो वैल्यू देख ली ठीक है आप कह रहे हैं कि कितने की आपकी जो है कमी हुई है कितने की कमी हुई है सिक्स वन सिक्स सिक्स वन वन फाइव थ्री एट कितने की कमी हुई है बताइए यहाँ से आप लोग एक सौ तेईस की कमी हुई, हुई? कितनी एक सौ तेईस की किस पर हुई है एक हज़ार छः सौ इकसठ पर प्रतिशत के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आंसर आएगा वो आप टिक कर लीजिएगा अपना अब आपको मेथड पता चल गया ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने है दी गई तालिका में 2016 के प्रारंभिक छः महीनों के दौरान चार डीलरों ए वी सी डी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या दर्शाई गई है तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दें ये आपने देख लिया महीनों के नाम दिए गए डीलर दिए गए हैं क्वेश्चन है डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितने महीनों में सी द्वारा छः महीने बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या से कम थी आप क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप किया करो मतलब जैसे कह रहे हैं कि सी द्वारा छः महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या तो पहले तो हम यही निकाल लेते हैं सी द्वारा बेचे गए छः महीनों में कंप्यूटरों की औसत कितना है तो सी देखिए सी पर टारगेट करिए कहीं और टारगेट मत करिएगा यहाँ टारगेट करिए बस आप जोड़ लीजिए यहीं पर जोड़ लीजिए अलग से कुछ करना नहीं है यहीं पर जोड़िए इन सबको छः सौ आएगा औसत के लिए मैंने क्या कहा था कितनी एंटिटी हैं एक दो तीन चार पाँच छः छः से भाग कर देंगे सौ औसत आ गया क्वेश्चन पढ़िए डीलर बी भी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितने महीनों में सी द्वारा छह महीनों में बेचे गए औसत से कम है कम फाइंड करना है डीलर 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 बी 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 को टारगेट करिए ये रहे भाई। ये रहे 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 भाई ठीक है है कह हैं कम चाहिए औसत से कम सौ से कम एक बार दो बार तीन बार चार बार है ना फिर तो ये सौ से ज्यादा हो गए तो चार बार ऐसा हुआ है कितनी बार चार बार ऐसा हुआ है तो आपका चार ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक समझ गए आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है आई थिंक आप समझ ही गए होगे आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं डीलर ए द्वारा फेबररी अप्रैल मे में बेचे गए कुल कंप्यूटरों की संख्या का डीलर डी दी द्वारा मार्च मई जून में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या से अनुपात क्या है सिंपल सा क्वेश्चन है हम फाइंड कर लेंगे ठीक देखिए ध्यान से देखिएगा वैल्यू रीड ध्यान से करिएगा ठीक है क्या कह रहे थे डीलर ए द्वारा पहले डीलर ए को टारगेट कर लीजिए भाई ये है हमारे डीलर अब हमें कहीं और नजर नहीं भटकानी है अपनी डीलर ए द्वारा फेबररी कब फेबररी तो फेबररी हो गया अप्रैल फेबररी अप्रैल और किस मंथ में मई के मंथ में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या जोड़ लीजिए किसको जोड़ेंगे नाइन्टी फोर को जोड़ेंगे वन जीरो एट को जोड़ेंगे नाइन्टी एट को, को जोड़ेंगे है ना यही जोड़ेंगे ओरल कैलकुलेशन है थ्री हंड्रेड आगे आगे आपका है ना थ्री हंड्रेड आएगा फिर आपसे कह रहे हैं अगला कह रहे हैं डीलर डी दी द्वारा किसके द्वारा डीलर डी दी, तो डीलर डी दी हमारे ये हैं भाई डीलर डी दी को देखिए डीलर डी द्वारा मार्च में कब मार्च में मई में मार्च में मई में और किस महीने में आ, मार्च मई और जून के महीने में है ना मार्च में मई में और जून के महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तो नाइन्टी प्लस एटी नाइन प्लस कितना हो जाएगा नाइन्टी वन कितना आएगा यहाँ से टू सेवेंटी आएगा आइए अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई क्या कह रहे थे कह रहे थे कि ए द्वारा इन महीनों में बेचे गए कुल कंप्यूटर तो आपने कहा कि इनमें जो बेचे गए कुल कंप्यूटर है वो तीन सौ थे इनके द्वारा डी द्वारा इनमें बेचे गए कुल कंप्यूटर दो सौ सत्तर थे आप अनुपात नहीं निकाल पाएंगे जो वैल्यू पहले गई है दी गई है वो पहले जो बाद में वो बाद में अब यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए तीन से कट कर दीजिए दस अनुपात नौ आपका आंसर हो जाएगा आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देखिए ये आपका मैच हो रहा है अगला क्वेश्चन देखिए डीलर बी द्वारा अप्रैल मे जून में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या फेबररी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत हैं आइए देखते हैं बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो बस जोड़ घटाने वाला काम है कुछ करना नहीं है आपको ठीक है ध्यान से देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है क्या कह रहे थे डीलर बी तो डीलर बी को देख लीजिए भाई ये डीलर बी रहे हमारे डीलर वी द्वारा अप्रैल अप्रैल का महीना ये वाला अप्रैल के बाद मई मई के बाद कौन से महीने में कह रहे थे अप्रैल मई और जून में बेचे गए कुल कंप्यूटर तो कितने होंगे नाइन्टी सेवन प्लस वन ज़ीरो टू प्लस वन जीरो एट यही होंगे ना ध्यान से देख लीजिए ये 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 हाँ तो आपका तीन सौ सात आएगा यहाँ पर अब कह रहे थे कि सभी डीलरों द्वारा चाहे वो ए हो चाहे बी हो चाहे वो सी हो चाहे डी हो सभी डीलरों द्वारा फरवरी और अप्रैल में बेचे गए कंप्यूटर फरवरी और अप्रैल में तो फरवरी में कितने बेचे गए ये बेचे गए हैं और अप्रैल में कितने बेचे गए ये सभी के सभी बेचे गए हैं है ना तो आप पहले फेबररी के निकाल लीजिए तो आप कहेंगे कि पहले सभी डीलर अंदर आप फेबररी में कितने बेचे गए फेबररी में कितने बेचे गए हैं नाइन्टी फोर प्लस नाइन्टी सिक्स प्लस आपका वन ज़ीरो फोर प्लस वन ज़ीरो सिक्स यहीं से जोड़ लीजिए छः चार दस का जीरो हासिल किए नौ नौ अठारह और एक उन्नीस हो जाएगा यहाँ पर इन दोनों को जोड़िए छः चार दस का जीरो हासिल की एक और दो हो जाएगा दो सौ दस हो जाएगा इन दोनों को जोड़ लीजिए अब तो कितना होगा नब्बे दस सौ ही हो जाएगा सौ पहले से था तीन सौ चार सौ हो जाएगा ठीक अब आगे देखिए फेबररी के बाद किस में अप्रैल में कह रहे थे तो मैंने क्या किया अप्रैल में भी जोड़ लिया अप्रैल में जोड़िए इनको वन ज़ीरो एट प्लस नाइन्टी सेवन प्लस नाइन्टी नाइन प्लस नाइन्टी सिक्स प्लस है बीच में ठीक है मैं लगाना भूल गई तो ये भी आपका चार सौ आएगा तो आपसे कह रहे थे कि फेबररी सभी डीलर द्वारा फरवरी और अप्रैल में बेचे गए कुल कंप्यूटरों की संख्या कितनी होगी चार सौ ये चार सौ ये तो आठ सौ हो गए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर जो हमसे कह रहे थे हम उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें आसानी होगी है ना ये देखिए ये आपका क्वेश्चन था कह रहे थे कि डीलर बी द्वारा अप्रैल मई जून में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तो आपने क्या निकाला था तीन आया था तीन था ना और फेबर और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कुल कंप्यूटरों की संख्या 800 आपने निकाली 800 का कितना प्रतिशत है कम ज़्यादा नहीं पूछा गया सिंपली ये पूछा गया कितना प्रतिशत है तो मैंने कहा था जो आपका पहले उसको ऊपर लिख लीजिए जिससे पूछा गया है वो आप नीचे लिखेंगे तो एट नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड हो जाएगा तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा आप अपना तो ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक सिंपल ये अगला आपसे क्वेश्चन ये है कि डीलर ए द्वारा फरवरी से जून के दौरान बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या जून के सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है अब अधिक है ना तो यहाँ हमें घटाना पड़ेगा है ना तो देखते हैं डीलर ए द्वारा जो क्वेश्चन में कहा गया है बस वही वैल्यू देखते हैं डीलर ए द्वारा कह रहे हैं डीलर ए द्वारा फेबररी से जून तक डीलर ए द्वारा कब से फेबररी से जून तक फेबररी से जून का मतलब क्या है फेबररी से जून का मतलब है ये वाला है ना फेबररी से जून तक बेचे गए कुल कंप्यूटर कितने होंगे नाइन्टी फोर प्लस एटी फाइव प्लस वन जीरो एट प्लस नाइन्टी एट प्लस नाइन्टी फाइव चार सौ अस्सी आपका यहाँ पर आएगा ठीक फिर कह रहे थे आपसे कि जून के जून में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर तो जून में सभी डीलरों द्वारा कितने कंप्यूटर बेचे गए ये सभी बेचे गए हैं नाइन्टी फाइव प्लस वन जीरो वन जीरो टू प्लस नाइन्टी वन थ्री नाइन्टी सिक्स आपका आ जाएगा यहाँ पर अब आप यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहे हैं आपसे यही था ना नाइन्टी फोर हाँ आपने देखा ए द्वारा फेबर से जून में बेचे गए कुल कंप्यूटर कितने आए थे आपके याद करिए अभी अभी आपने निकाला है चार सौ अस्सी आया था है ना और जून से जून में आपके जो है सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर आपने निकाले थे थ्री नाइन्टी सिक्स हो गए कह रहे हैं कितना प्रतिशत अधिक है बताइए थ्री नाइन्टी सिक्स से फोर एट्टी कितना अधिक है प्रतिशत में तो हम बाद में बताएंगे तो एट्टी फोर आपका अधिक है है ना किस पर देखे थ्री नाइन्टी सिक्स पर है परसेंटेज में निकालने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्कीस परसेंट के लगभग आपका आंसर आएगा सी करेक्ट हो जाएगा अगला देख लीजिए आप लोग अप्रैल माह में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या है तो अप्रैल माह को देख लीजिए अब यहीं पर मैं औसत निकाल दूंगी ठीक है अप्रैल माह को आप देख लीजिए ये रहा अप्रैल माह इन सभी को जोड़ लीजिए आप लोग वन जीरो एट प्लस नाइन्टी सेवन प्लस नाइन्टी नाइन प्लस नाइन्टी सिक्स अपॉन कितनी आपकी एंटिटी है एक दो तीन चार तो आपने चार से भाग लगा देना है है ना तो यही आपका जो आंसर आएगा वो अब आप खुद से टिक करेंगे ठीक इतना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सो आपको अब आप आइडिया हो चुका है अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और इसके आधार पर निम्न प्रश्नों और नाइन्टी सिक्स से हंड्रेड तक के उत्तर दें एक फुटबॉल टीम द्वारा एक वर्ष में खेले गए सात प्रतिभागियों के प्रदर्शन रिकॉर्ड निम्नलिखित हैं आइए देखते हैं इनके जो है रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से हैं आप देख लीजिए अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं क्वेश्चन हमसे कह रहा है टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही है तो आइए हम देखते हैं सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही है तो सबसे खराब प्रतियोगिता हम कैसे देखेंगे हम ये देखेंगे जीते गए मैच कितने हैं जीते गए मैच कितने हैं है ना कुल मैच में से जीते गए मैच कितने हैं और हारे गए मैच कितने हैं तो हमें पता चलेगा कुल मैच कितने खेले हैं और हारे कितने हैं जीते कितने हैं तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा देखो जैसे आपका इन्होंने आठ मैच खेले पहले वाले ने कुल खेले गए मैच आपके दिए गए हारे इन्होंने तीन है पाँच जीते हैं चलिए ठीक प्रदर्शन है अगला देखिए आठ में से चार चार इन्होंने तो बराबर ही कर लिया इसमें देखिए आपका जो है सात मैच इन्होंने टोटल खेले और इन्होंने दो मैच जो है हारे हैं और पांच मैच जीते हैं नौ में से तीन इन्होंने हारे हैं और छः जीते हैं छः में से दो हारे हैं चार जीते हैं छः में से तीन हारे हैं और तीन आपके जीते गए छः में से ये चार हारे हैं और दो जीते हैं तो आप बताइए कि इसमें से आप अपनी सुनहरी आंखों से देखिए प्यारी आंखों से देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि देखिए ये सबसे ज्यादा हारे गए मैच इन्हीं के हैं इन्हीं भाई साहब के हैं कि छः में से चार तो ये हारे हैं दो जीते हैं केवल तो आपका सातवा जो है मैच वो सबसे आपका गंदा रहा है, है ना सातवा देखिए कुल मिलाकर टीम ने कितने प्रतिशत मैचों में जीत हासिल की है कुल मिलाकर कितने प्रतिशत जो है हाथ हासिल की है कुल मिलाकर टीम ने कितने प्रतिशत मैचों में जीत हासिल की है है ना तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कुल मैच कितने हैं मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो जैसे जीते मैच पूछा गया तो हम ऊपर लिखेंगे जीते गए मैच नीचे तो हम कुल ही लिखेंगे ना तभी तो हम परसेंटेज निकाल पाएंगे है ना तो पहले हम देखते हैं कुल मैच हमारे कितने हैं कुल मैच के लिए आप क्या करेंगे सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई कुल मैच के लिए आप कहेंगे कि मैम इन सब को जोड़ लो तो हमारे कुल मैच आ जाएंगे इन सबको जोड़ लो आप लोग आठ प्लस आठ प्लस सात प्लस, प्लस नौ प्लस छः प्लस छः प्लस छः तो आपका पचास आ जाएगा पचास कुल मैच हैं अब आप जीते गए मैच देख लीजिए सभी के द्वारा तो जीते गए मैच कौन से होंगे ये वाली लाइन होगी जोड़ लीजिए तो इनको जोड़ेंगे तो ट्वेंटी नाइन आएगा अब आप देख लीजिए यहाँ पर ठीक क्या कह रहे थे टीम द्वारा टीम ने कुल कितने मैचों में जीत हासिल की तो आपने कहा कि जीत तो जो हासिल की है हमारी टीम ने वो ट्वेंटी नाइन बार हासिल की है कितने में से तो कुल नीचे आ जाएगा और परसेंटेज हमें निकालना है तो प्रतिशत के लिए ऐसे कर देते हैं हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई पचास धूनी सौ यहाँ पर आपकी बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है फिफ्टी एट परसेंट आपका आंसर आ जाएगा ठीक अगला देखिए टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही है तो टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता आप बताइए कौन सी रही होगी आइए देखते हैं यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन देखिए पहले आप ऑप्शन में कौन कौन सा है पहली चौथी तीसरी पांचवी में देखना है किसमें पहली चौथी और किस में बोल रहे थे पहली चौथी मैं तो धीरे के धीरे भूल जाती कौन सा बोला था पहली तीसरी भी बोला था है ना तीसरी एक बार मैं फिर से करती हूँ पहली बोला था और कौन सी बोला था आए, पहली चौथी तीसरी और कौन सी बोला था पांचवी ये बोला था इनमें देखना है कि इनमें टीम में सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही अब आप देखिए आप कैसे निकालेंगे यहाँ पर कुल खेले गए मैच आठ थे तीन ये हारे हैं और पाँच ये जीते हैं इसमें देखिए सात में से ये दो हारे हैं और पाँच जीते हैं तो अब जब इस केस में ऐसा पूछा जाए ना तब आपको परसेंटेज ही काम आता है बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैम यहाँ तो परसेंटेज में नहीं पूछा गया अरे भाई तुलना कैसे करोगे जो पहला क्वेश्चन नाइनटी सिक्स व क्वेश्चन था उसमें भी आप परसेंटेज से कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं तो आप बिना परसेंटेज के तुलना नहीं कर पाओगे कि किस में बेस्ट रहा है किस में वर्स्ट रहा है कई बच्चे कॉमेंट करते हैं कि अरे मैम परसेंट नहीं पूछा गया आप गलत करा रही हैं बिना उसके आप परसेंटेज की बता ही नहीं पाएंगे पहला जो क्वेश्चन था आई में नाइन्टी सिक्स वा वो सिंपल था तो मैंने बता दिया उसमें उसमें भी आप परसेंटेज से कर सकते हैं तो आपका एकदम एक्यूरेट आएगा अब यहाँ पर आपसे पूछा गया तो आइए मैं आपको समझा देती हूँ एक बार यहाँ पर जैसे पहला वाला आपको है तो इसमें कैसे निकालेंगे जीते गए मैच कुल कितने हैं पाँच हैं टोटल मैच कितने हैं आठ हैं हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना सिक्सटी टू पॉइंट लगभग आएगा आपका तीसरी में देखिए आप लोग तीसरी में कितना होगा आपका तीसरी में देखिए पाँच मैच इन्होंने जीते हैं सात पर जीते हैं सौ से मल्टीप्लाई कर लीजिए इकहत्तर आपका परसेंट के लगभग आएगा चौथी में देखिए अब आप, आप चौथी में आपका कितना है चौथी में आप देखिए तो चौथी में आपका जो में है छः मैच जीते हैं नौ पर जीते हैं तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई तो छियासठ दशमलव आएगा कुछ ठीक है पाँचवीं में आप लोग देख लीजिए पाँचवीं में आपका कितना है चार मैच जीते हैं छः पर जीते हैं कितना होगा मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो आपका ये कितना हो जाएगा छियासठ दशमलव कुछ के लगभग आएगा ठीक अब देख लीजिए कि टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही है इनमें से बताइए तो सबसे अच्छी प्रतियोगिता ये इकहत्तर परसेंट वाली रही होगी वैल्यू को आप देख लीजिए ये ये होता है परसेंटेज का खेल जो आप लोग कहते हैं कि मैम परसेंटेज नहीं पूछा गया परसेंटेज से आपको पता चला है एग्जैक्ट कि किस में आपका सबसे अच्छा रहा है इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि परसेंटेज से ही करिएगा ऐसे नहीं देख सकते हैं आप ठीक तो ये आपका इकहत्तर प्रतिशत तीसरी वाली में है ठीक है अब जैसे मैंने ये वाला कहा था आपसे क्वेश्चन कि टीम के लिए सबसे ख़राब प्रतियोगिता कौन सी है तो वो मैं देख पा रही थी इसलिए मैंने बता दिया लेकिन आप कोशिश ये करें कि जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनको परसेंटेज से ही देखें अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ तो सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही तीसरी रही है ना अभी आपने देखा तीसरी प्रतियोगिता रही अगला देखिए अगला क्वेश्चन है वर्ष के दौरान टीम ने कितने मैच जीते तो कितने मैच जीते अभी आपने टोटल किया था आई मीन ट्वेंटी नाइन आया था मुझे अच्छे से याद है कुल किसने मै, कितने मैच जीते थे ये देखिए आपके जीते गए मैच यही तो थे आपके पाँच प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः प्लस चार प्लस तीन प्लस दो ट्वेंटी नाइन आपका आया था ये बड़ी बात नहीं है आपने ट्वेंटी नाइन कर देना है ठीक है कुल मिलाकर टीम को कितने प्रतिशत मैचों में हार हुई तो अब आपको हार निकालना है तो पहले आप हार लिखिएगा नीचे कुल मैच ही लिख के जाते हैं मल्टीप्लाई भाई हंड्रेड क्योंकि प्रतिशत में कहा गया है तो आप हार देख लीजिए भाई कितनी बार हारे हैं ये मैच ये इतनी बार हारे हैं मैच ये चार भी है आपका इन सभी को जोड़ लीजिए कितनी बार हर तीन प्लस चार प्लस दो प्लस तीन प्लस दो प्लस तीन प्लस चार ट्वेंटी वन टाइम्स है ना ट्वेंटी वन टोटल आपका फिफ्टी था ही अभी भी मुझे याद है और आपको भी याद ही होगा तो ट्वेंटी वन टाइम हारे हैं पचास मैच में से इक्कीस बार हारे हैं प्रतिशत मैं निकालना है सो ऐसे बयालीस प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा ठीक तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से तरीके से आपका परसेंटेज जो है मैटर करता है अगर आपको कंपैरिजन करना हो कि किसमें बस्ट कैस रहा है किस में वेस्ट केस रहा है तब तो परसेंटेज ही काम आएगा आंखों से देख के आप नहीं बता सकते हैं भाई ठीक है याद रखिएगा इन चीज़ों को कुल अगर पूछा जाता है कि कुल आपका जो है किस में ज़्यादा है तो कुल के लिए तो जोर से बता देंगे आप लोग आई थिंक आप समझ गए होंगे वट आई एम सेग प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिएगा पेपर में गलत गलत नहीं करना है आपको सो so, ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट आशा करती हूँ कि आप